शांत रहिए। आपने जो पढ़ा है वो देखिए कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, उस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और हम कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। सो ऑल इंडिया नीट में आए क्वेश्चन है पिछले 10 सालों के, यानी 2009 से लेकर 2019 तक के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और इन क्वेश्चन को आप जितने जल्दी करेंगे उतने जल्दी हम नए चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो हमें नए चैप्टर में आज ही पहुंचना है, तो टाइम वेस्ट कम करते हैं, आगे बढ़े। चलो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या पता चलता है, कम से कम प्लेटी हेलमेंथीस तक तो, प्लेटी हेलमेंथीस क्या था, ऑर्गन, एसके के बाद ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद लिखा है बायलेटरल सिमेट्री, इसका मतलब बंदा डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्ट, और ट्रू सीलोम विद सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है एनेलिडा, फिर से बोलो, और आर्थ्रोपोडा। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप, बताओ इसमें सेगमेंटेशन है नहीं है, बताओ इसके अलावा। अच्छा भाई, इसमें भी सेगमेंटेशन नहीं है, इसमें सेगमेंटेशन नहीं। ऑप्शन कितना बचा, एक, एक बचा, बोलो कौन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। क्या ये तीनों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, सिमेट्री कैसे रखते हैं, बायलेटरल। क्या ये ट्रू सिलोम है, सेगमेंटेड बॉडी है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है, आप चाहो तो देख लो, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको समझाने की। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टर, बता पहला मोलस्का है, इकाइनों की मोलस्का, मोलस्का, और मोलस्का में कौन सा ऑर्गन, क्या रेडुला ऑर्गन है, रेडुला उनके लंग्स में कि माउथ में, रेस्पिंग ऑर्गन है। हाउ मेनी पीपल आर देयर फर्स्ट क्लास, पहली क्लास है आज। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ट्राई करिए, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, तो आप लोग ट्राई करिए, नहीं आता तो डरिए मत, अगली अगला क्लास चालू करेंगे। अच्छा बताओ बॉम्बेक्स मोराए, क्या ये सिल्क वॉर्म है, पक्का, और सिल्क वॉर्म है तो आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा तो मालपीगियन ट्यूब्यूल, प्लूरोब्रांकिया याद है, बोलो कौन। क्या ये टीनोफोरा है, बोलो कौन, कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद टीनिया, क्या ये फ्लैम सेल है। यहीं पर सब लोग एक साथ रिवाइज करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक साथ करेंगे ताकि घबराहट ना हो और हमें लगे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। पोरीफेरा, जनरल बॉडी सर्विस, सीलेंटेटा, जनरल बॉडी सर्विस, बताओ टीनोफोरा, जनरल बॉडी सर्विस, प्लैटी हेलमेंथीस, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल हो गया, ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया, एसके हेलमेंथीस, रैनेट सेल एंड एक्सक्रीटरी पोर, याद है। अच्छा बताओ एनेलिडा याद है, बोलो, नेफ्रीडिया, आर्थ्रोपोडा याद है, बोलो, मालपीगियन ट्यूबुल, मोलस्का याद है, गिल्स, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कैबर्स, पक्का। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा याद है, बोलो, प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा याद है, बोलो, हाँ, प्रोबोसिस ग्लैंड। अच्छा बताओ इसके बाद कॉर्डेटा याद है, कॉर्डेटा के ज्यादातर मेंबर किडनी, किडनी, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कोई भी ऑर्गन आपके सामने बचना नहीं चाहिए कि आपको सब समझ में नहीं आ रहा। तो जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा वो एक्चुअली अभी तक पढ़े नहीं है और बाकी लोगों ने पढ़ लिया है, इस वजह से ऐसा है। चलो भाई, ओफ्यूरा किससे बिलोंग करता है, भाई जवाब बहुत प्रसाइज होना चाहिए, गलत होने का। ओफ्यूरा का नाम ब्रिटिल स्टार है, ब्रिटिल स्टार इज इकाइनोडर्मेटा, क्या ये इकाइनोडर्मेटा है, फाइसेलिया इज सीलेंट्रेटा, पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा, फाइसेलिया, दोनों, फाइसेलिया इज जेलीफिश, ऑरेलिया इज जेलीफिश, तो फाइसेलिया, सॉरी, फाइसेलिया इज मेडुसा। अच्छा बताओ एक मिनट, अगर ये बताओ पॉलिप है तो, पॉलिप में है तो, अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया,
बिल्कुल गड़बड़ हो गया. ऑरेलिया इज जेलीफिश, मैं बिल्कुल मिस कर गया. ऑरेलिया इज जेलीफिश, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक. पिंक टाटा, क्या ये पर्ल ऑयस्टर है? पर्ल ऑयस्टर का मतलब है कौन सा? मोलस्क का. और क्या ये प्लेनेरिया है? बोलो कौन? प्लेटी हेलमेंट केस. अब देखो सब में क्वेश्चन करते हैं, ये किसका मेंबर है? इकाइनोडर्मेटा, फाइसेलिया, सीलेंट्रेटा. बताओ पिंक टाटा, मोलस्क का, प्लेनेरिया, प्लेटी हेलमेंट केस. ऑप्शन कर लोगे? मैं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ इस फाइसेलिया में. ऑरेलिया वॉज अ जेलीफिश, आई एम सॉरी. ओके आगे क्वेश्चन, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सीलोमेट विथ बायलेटरल सिमेट्री. इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सारी सीलोम डिस्कस करो. पोरीफेरा, ए सीलोमेट, सीलेंटेटा, पक्का, टीनोफोरा, प्लेटी और एसके, सीरोसिलोमेट. तो बताओ ट्रू सीलोम कहां से चालू हुआ? एनेलिडा. एनेलिडा में ट्रू सीलोम है? मोलस्का में? सब में. तो हमें ट्रू सीलोम है यानी एनेलिडा है, उसके बाद की कहानी सुनना है. बताओ और बायोलेटरल सिमेट्री, बताओ एडल्ट की बायोलेटरल सिमेट्री की रेडियल, रेडियल. बताओ एसके एलमेंटिस, स्यूडो सीलोमेट. और हमें क्या चाहिए? ट्रू सीलोमेट. प्लेटी में ए सीलोमेट, बचा कौन? एनेलिडा. क्या गलत है ये भी मालूम होना चाहिए. बताओ इकाइनोडर्मेटा में सीलोम तो है लेकिन सिमेट्री कैसी है? रेडियल. और इन्हें क्या चाहिए? बायलेट. अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और आगे बढ़िए. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. किन में बेटा लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं करता? इन सब में लार्वल कंडीशन है, इसमें नहीं है. बोलो कौन? अर्थवर्म. तो आगे बढ़ जाओ भाई, अर्थवर्म के बाद आगे बढ़ जाओ, इधर आओ. मेटामॉर्फोसिस जैसा स्ट्रक्चर उसमें नहीं है. ये एक्चुअली मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूं कि मेटामॉर्फोसिस डिटेल में आपने पढ़ी नहीं है. आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप एनिमल क्रॉप एंड गीजा. याद आया? चोंच में दांत नहीं है तो पेट में दांत है. पेट में दांत वाले स्ट्रक्चर क्रॉप एंड गीजा, याद है? बताओ कौन है? बर्ड. क्या बर्ड्स रिवाइज कर पाओगे मेरे लिए? चलो रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करना. हैबिट एंड हैबिटेट, एरियल, विंग्स है, फेदर है, ड्राई स्किन है, और बेटा इनमें ग्लैंड्स. क्या टेल ग्लैंड है? ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, यूरोपाइज ग्लैंड बोलते हैं. बताओ बेटा, फोर लिम्ब चेंजेस इनटू विंग्स, हाइंड लिम्ब इनटू हाइंड लिम्ब क्लैस्पिंग वॉकिंग. क्या उनमें स्केल्स है? यस सर. बताओ ओवी पैरस की बीवी पैरस, क्रॉप और गिजार्ड है. रेस्पिरेशन भाई लंग्स, रेस्पिरेशन भाई लंग्स. डायफ्राम है कि नहीं है? हाँ भाई, डायफ्राम कहां से शुरू हुआ? डायफ्राम केवल कहां पर चालू हुआ? मैमल. मैमल के अलावा डायफ्राम कहीं और नहीं है. चलिए खड़ी हुई है, नाम बताइए. यस यू, अपराजिता. अपराजिता जी, मैमल्स के कुछ पांच पिक्यूलियर करेक्टर ऐसे बताइए जो कहीं और है ही नहीं. मैमल्स में कुछ ऐसे करेक्टर जो और कहीं है ही नहीं, केवल मैमल में. दो तीन बताओ. डायफ्राम एक, शांत. पहला और फॉरमोस्ट करेक्टर मेमोरी ग्लैंड किसी के पास नहीं है? नहीं है. मैमल के अलावा मेमोरी ग्लैंड किसी के पास नहीं है, पहला. यस, अभी दूसरा इन्होंने बताया, लंग्स में जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, उसमें डायफ्राम केवल किसके पास? मैमल. और किसी के पास डायफ्राम? ब्रेन में कोई चीज है? बोलो कौन? कॉर्पस कैलोसम. फिर से बोलो. बॉडी में हेयर, बोलो क्या? हेयर. और किसी के पास नहीं है? हेयर किसी के पास नहीं है. और कान पिन्ना किसी और के पास?
और वीवी पैरस कंडीशन और के पास हो सकती है, बहुत सारे लोग वीवी पैरस है, लेकिन बाल किसी की बॉडी में, आईब्रो किसी की बॉडी में, डायफ्राम, कॉर्पस कैलोसम, ये सब किसके पास है? मैमल। गड़बड़ है भाई, बैठो, ऐसे चलेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। चलो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज एनिमल नॉट इज होमियोथर्म? होमियो का मतलब कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड। बताओ मैक्रोपस इज कंगारू? मैक्रोपस इज कंगारू, कंगारू है। बताओ ये रेप्टाइल की एम्फीबिया? रेप्टाइल। चीलोन इट इज टर्टल, बोलो क्या है? टर्टल। कैमिलियस इज कैमल। पिटस सिटाकुला इज? सिटाकुला इज पैरट। क्या बेटा? पैरट। अब बताओ पैरट बर्ड है? बताओ वार्म ब्लडेड है? कैमल मैमल है? वार्म ब्लडेड है? मैक्रोपस कंगारू है? वार्म ब्लडेड है? चीलोन क्या है? रेप्टाइल की एम्फीबिया और रेप्टाइल वार्म की कोल्ड? कोल्ड ब्लडेड है। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमियोथर्म? सी चीलोन। कौन है बेटा? चीलोन। भाई क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, और कोई भी मिमिक नहीं करेगा मेरे साउंड को, ऐसा करने से आप में भी स्मार्ट साबित हो जाए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। तो जिंदगी भर आप इसी में लगे रहते हो, सर की बात को कैसे मजाक में किया जाए, और आपका ओरिएंटेशन बदल जाता है। योर ओरिएंटेशन इज हियर नॉट टू इंप्रेस एनीवन, टू गेट योर सिलेक्शन एंड गो योर मेडिकल कॉलेज। आपने मेडिकल कॉलेज में जाकर अपने प्रोफेसर को खूब परेशान करो, मुझे छोड़ दो। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो जाता है कि कई बार मेरी टोन ऐसी होती है, राइम निकलती है, वो कारण है जब कभी आप पढ़ाओगे, एक दिन मैं तुमको यहां खड़ा करूंगा और बोलूंगा कि 10 बातें बोलो जो मैंने पढ़ाई है, आवाज नहीं निकलती, हाथ पैर कांपते हैं, एड्रेनलिन निकलता है, फिर लगता है ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई देख रहा होगा मेरी शर्ट कैसी, मेरा नाक कैसा, कहीं बह तो नहीं गया। सर्दियों में तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि नहीं? हर बार आदमी ये देखने के लिए देखता है कि कहीं, हाँ हम लोग बचपन में तो क्या करते थे, यहां पर एक वाइट स्ट्रिप मिलती थी चमकती हुई, जब सूख जाए तो वो कॉन्वेंट एजुकेटेड वाले लोग नहीं जानते हैं, दे हैव देयर हैंड कर्चीफ यानी हैंकी, वी हैव एवरीथिंग हियर। है ना, ये सब देहाती लोग है। तो आओ, इंपॉर्टेंट करेक्टर दैट हेमी कॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, ऐसा करेक्टर जो हेमी कॉर्डेटा में भी पाया जाए और कॉर्डेटा। पहले सोचते हैं फेरिंग्स विद वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, कॉर्डेट में कैसी होती, वेंट्रल की डॉर्सल? डॉर्सल गलत। अच्छा बताओ फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, ये भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स में क्या है और इनमें क्या है? स्टोमो कॉर्ड। फिर से बोलो, तो बताओ इनके पास क्या है? फेरिंग्स विद गिल स्लिट, क्या दोनों के पास है? तो चलो भाई आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल, एक्वाटिक एनिमल की मैमल? तो बताओ दुनिया की सबसे बड़ी मछली? ब्लू व्हेल नहीं है, ब्लू व्हेल नहीं है, ब्लू व्हेल है नहीं है। कहां थे भैया क्लास छोड़ के खड़े हो? यस यस यस, क्लास छोड़ने वालों को तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि क्लास क्यों छोड़ी, मुझे लगा रहे यार एक स्टूडेंट गया, गायब हो गया। बताओ बिटिया सबसे बड़ी बड़ी जो मछली है दुनिया की उसका नाम क्या है? ब्लू व्हेल। हाँ हाँ, सबसे बड़ी मछली दुनिया की? पुरुषार्थ बाबू कहाँ है? वो भी नहीं है आज। अच्छा थ्री गेट वाला काम चल रहा है, एक दिन तुम पढ़ो एक दिन हम पढ़े। बताओ दुनिया की सबसे, बोले ये क्या यहाँ ये होता है? गेट रेडी फॉर दैट, डंडे भी चलते हैं यहाँ, थप्पड़ भी चलता है। पूछो गर्ल से जो हमारे साथ पहले भी पढ़ चुके क्लासेस में, कितने लोग जो पहले पढ़ चुके हमारे साथ, आप लोगों को मालूम है डंडे चलते हैं? अभी टाइम है, पैसा वापस मिल सकता है।
लिखो मुझे इस खड़ूस टीचर से नहीं पढ़ना है। क्लास छोड़ने पे भी मार पड़ती है। बैठो चलो। व्हेल इज अ मैमल। मैमल मछली नहीं है। अच्छा बताओ, क्या आपको मालूम है डॉल्फिन इज अ मैमल, सील इज अ मैमल, ट्राइगोन इज अ फिश मैमल, फिश, व्हेल इज अ, डॉल्फिन इज अ, सील इज अ, और सब पानी में रहते हैं, ट्राइगोन फिश, और बताओ शार्क इज फिश एंड व्हाट वी नीड मैमल, तीनों के तीनों मैमल चाहिए, बताओ कौन सा है, व्हेल, डॉल्फिन, सील, ऑप्शन इज सेकंड, ये वाला ऑप्शन सही है, ध्यान से समझो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, इट इज पेरिसोडक्टाइला, एक्चुअली ऑड टोड और इवन टोड, बहुत कम लोग देखेंगे, आप जाकर के देखना, गाय भैंस को देखना, गाय भैंस के खुर में बीच में कट लगा होगा, यानी दो टोप आए गए, लेकिन घोड़े का खुर जो होता है बिना कट का होता है, मतलब ऑड टोड, जिनका टो जो है वो ऑड नंबर में हो, एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, नौ हो, इतना तो होगा ही नहीं, तो ऑड टोड वालों को बोलते हैं पेरिसो डेक्टाइला, डेक्टाइला मतलब टो, पेरिसो मतलब ऑड, तो जिनकी गिनती टो की, और अगर तुम गाय भैंस देखोगे तो जो लोग चराते हैं वो जानते हैं कि उनके पास कितने टो होते हैं, तो आगे और दो पीछे, टोटल चार, तो याद रखना ऑड और इवन टो की कहानी है, ये क्वेश्चन अपना नहीं है, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, 2017 में भरे आया है, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो फिर भी इसका आंसर होगा पेरिसो डेक्टाइला। आगे बढ़ जाओ। इन केस ऑफ पोरीफेरा स्पॉन्जोसिल इज अलाइंड विद द फ्लैजेलेटेड सेल, नाम बताओ, क्या इनका नाम कॉलर सेल है, कॉलर सेल का दूसरा नाम क्वानोसाइट, क्या इसका आंसर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो मैं बोलूं बता देना, ऑल मेमर आर वीवी पैरस, सही है कि गलत है, गलत है, चलो भाई करो, यस, मैमल के तीन क्लास, तीन ग्रुप, क्लास मैमल के तीन सब क्लासेस क्या क्या है, कल क्लास में थे, बिल्कुल नहीं पढ़ के आए, हाँ देख लिया, चोर हो तुम, पहला प्रोटोथीरिया, फिर मेटाथीरिया, फिर यूथीरिया, अंडे देने वाले और बैग लेकर चलने वाले मेटाथीरिया, और प्लेसेंटा बनाने वाले यूथीरिया, तो कंगारू कौन है, मेटाथीरिया, डक बिल प्लेटिपस कौन है, प्रोथीरिया, और हम लोग क्या यूथीरिया है, तो क्या दुनिया के सारे मैमल वीवीपैरस हैं, क्या कुछ ओवीपैरस भी हैं, नाम बताओ, डक बिल प्लेटिपस, ये सेशन मैं क्यों करता हूं जानते हो, पिछले साल मैंने नहीं किया, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आंसर तो आ जाता है पर हमें यह नहीं मालूम हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को अप्रोच करके केवल आंसर टिक करना ठीक नहीं है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि बाकी गलत क्यों है, कई बार आप जिसे समझ रहे हो सही समझ रहे हो, सकता है कि पूरा तरीके से सही ना हो, इसलिए बाकी को गलत करना होता है कि ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ओवी पैरस हैं, कुछ मैमल ओवी पैरस हैं, बोलो कौन, डकबिल प्लेट, ऑल साइक्लोस्टोम डज नॉट पजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, सही है, ये तो सही लग रहा, ऑल रेप्टाइल हैव थ्री चैम्बर हार्ट, नो, क्रोकोडाइल याद है कितना चैम्बर, चार, ऑल पाइसेस हैव गिल कवर्ड विद ओपरकुलम, नो, दो प्रकार की थी, एक कौन, कॉन्ड्रेथिस और एक ऑस्ट्रेथिस, किसमें ओपरकुलम नहीं थे और किसमें थे, और इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचता है, बोलो कौन, सेकंड, और आगे बढ़ जाओ, क्यों ये क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है ये मालूम हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड्स एंड मैमल्स, ऐसा कोई करेक्टर जो बर्ड और मैमल दोनों शेयर नहीं करते, पहला ही बात है, बताओ कौन है वीवी पैरस, कौन है ओवी पैरस, क्या दोनों ये वाला नहीं शेयर करते, आंसर ये, दोनों वार्म ब्लडेड हैं, दोनों ऑसिफाइड एंडोस्क्लेरल हैं, दोनों लंग्स से ये करते हैं, चलो करियो बिटिया, कल आए थे, चलो, बोन्स ऑफ द बर्ड्स में क्या स्पेशल बात है, जवाब देना चालू करो, डरो मत,
और ये मत किसी को बताना कि सुनील सर मारते हैं, डांटते हैं। मैं नहीं डांटता हूँ, बहुत प्यार से। बेटा ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, एंडोस्केलेटन में? देखो प्यार से जवाब ही नहीं दे रहे हो, बताओ। बताओ भाई क्या है? एयर कैविटी है, न्यूमेटिक बोन है, कर लो। यस यस, बताओ भैया। इसके अलावा लंग्स में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करता था? नहीं पढ़ के आने वाले लोग चोर हैं और उनको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। बैठो बिटिया, बैठ जाओ, बताओ। एयर सैक, जब तुम्हारा एक दिन पुराना चैप्टर और तुम्हें तैयार नहीं है तो 5 महीने बाद तुम्हारे तैयार होगा, इसका मुझे पूरा पूरा डाउट है और मुझे पूरा मालूम है वो नहीं होगा। और कल हम हड्डी काटेंगे और नहीं आए तो कल हम चैप्टर तो अभी शुरू करने जा रहे हैं, वही आगे बढ़ा देंगे। आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर करस्पॉन्डिंग ग्रुप? कौन सा फीचर जो हमेशा ट्रू होगा? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ट्रैक्टिस। सही की गलत? सही है। वीवी पेरस मैमल, हमेशा सही नहीं है। अतः पजेस अ माउथ विथ अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेटा में हमेशा सही। बताओ कौन से कॉर्डेटा है जिनके पास जॉ नहीं है? ग्रेथा की एक ग्रेथा है, चलो एक ग्रेथा में एग्जाम्पल बताओ, सब लोग शांत रहेंगे। यस यस, ये है हालत। रिवाइज करो सब लोग, और इन बेवकूफों को कान पकड़ के खड़ा रहने दो। कान पकड़ो दोनों, करो करो, बचपन याद आएगा बेटा। चलो याद करो। कॉर्डेटा कितने प्रकार के? दो। एक कौन? प्रोटो कॉर्डेटा और एक यू कॉर्डेटा। ये एक क्रैनिएटा है, ये क्रैनिएटा। क्या इन्हें वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं? पक्का? अच्छा, एक क्रैनिएटा वाले जो एग्जांपल है वो यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा है। इनको बाय बाय करके वर्टिब्रेटा में आए। वर्टिब्रेटा दो प्रकार के हैं। एक और, एक ग्रहता ग्रहतोस्टोमाटा, बिना जबड़े वाले जबड़े, और बिना जबड़े वाले सर्कुलर माउथ रखते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, ऑल्सो नोन एज जॉलेस फेस। क्या बोल रहे हैं? जॉलेस। बैठो, यही करने के लिए आए हो। बोलते सर जब आप आ जाते हो तो पूरा भूल जाते हैं, मतलब जब आप पास आकर क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं भूल जाता हूं, मतलब मैं दैत्य हूं, राक्षस हूं। बोले सर आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा? पैरापोडिया कहां पाया जाता है? एनालिरा, ये तो नहीं, ये है, ये है, ये है, बाकी सब है, लेकिन पैरापोडिया नहीं है। पैरापोडिया एक्वाटिक फॉर्म में होती है। कौन सा एक्वाटिक एनालिडा है जिसमें पैरापोडिया नहीं है? लीच में नहीं है, नैरिस में है, लीच में। और एक ऐसी बात है जो पूरे पूरे एनालिडा में नहीं है। शांत रहो, बताओ। एनालिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज की ओपन, और लीच का ओपन, क्लोज की ओपन। क्या बोल रहे हो? एनालिडा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज की ओपन, क्लोज, लेकिन लीच का ओपन। नेरिस का भी? कौन बोला? सौरभ बाबू दिमाग सही कर लो, जितने जल्दी ट्रैक पे आ जाए उतना अच्छा है। बैठो, बहुत टाइम है, 4 महीना बाकी है बस। अगर आप लोगों को डर नहीं लग रहा तो आप बेवकूफ हैं। मेरे टॉपिक पढ़ाने के पहले आप पढ़ के आए। अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे साथ विजन और रिविजन दोनों करें, यही सही स्ट्रेटजी है इस साल की। इस साल की स्ट्रेटजी ये सही नहीं है कि सुनील सर जब पढ़ा लेंगे तब हम पढ़ेंगे। अब मैं मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मॉर्फोलॉजी पढ़ के आ जाओ। अब देखते हैं क्या ऐसी बात पढ़ाते हैं जो हमें नहीं आती। 5 महीने में क्या उड़ेंगे, क्या बिछाएंगे, क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम।
और अभी भी लोग बोल रहे हैं कि सर आप दिन में दो बार क्लास लेते हो, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ते ही रहते हैं सर, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये साल तो ऐसा है, या तो ये कर लो कि भाई पढ़ाई एक बार करो और को जब टॉपिक आपके पूरे ना हो तो आप मुझे गाली मत दो, और या तो दो तीन महीने मेहनत जम के कर लो, जम के दो महीने मेहनत कर लो कि दिसंबर तक जनवरी तक आते आते मैं आपको शाम वाली क्लास बंद कर दूंगा। उससे क्या होगा, अगर एक महीने में एनसीईआरटी 2 की पहली यूनिट चली गई, जेनेटिक्स वाली रोक करके तीसरी कौन सी वाली, माइक्रोब वाली, और इसके अलावा इकोलॉजी वाली, तीन यूनिट अगर हम लोगों ने जनवरी तक कर ली तो दो बड़ी यूनिट बचेंगे, एक जेनेटिक्स और एक बायोटेक्नोलॉजी, उसको आराम से करते रहेंगे। तो इन शुरुआत के दो महीने में हम लोग को मेहनत ज्यादा करनी चाहिए ताकि बाद में हम लोग को रिविजन का समय ज्यादा मिल जाए। ये पूरे साल नहीं चलने वाला, पूरे पांच महीने नहीं चलने वाला, लेकिन क्या अभी भी आप डर रहे हैं? अभी करो ताकि आखिरी में ये ना हो यार सुबह अब जब रिवाइज करना है तब सुनील सर पढ़ा रहे, अभी जल्दी से आगे बढ़ जाओ, और फिर रिवीजन के दौरान फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या पॉलिसी है। तो हमें जनवरी तक तो दिमाग में रह करके चलना है कि हम लोग अभी नवंबर दिसंबर और जनवरी में तीन महीने में तीन यूनिट मार दें। कौन कौन सी? जेनेटिक्स अभी नहीं पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स जनवरी में हम लोग ओपन करेंगे विद बायोटेक्नोलॉजी, और जनवरी में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पूरी करने के बाद एनसीईआरटी 2 को बाय, और तब तक एनसीईआरटी में 1 में हम लोग पहुंच चुके होंगे एनिमल फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, खूब एक महीना घूम घूम के टहल टहल के एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। कोई डर रहेगा? कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी डरोगे? अभी मत डरो, अभी आओ और कुछ भी मत कहो, चलते रहो, पढ़ते रहो, और जब यहां बैठो तो रिवाइज करके बैठो, और इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब हर सेकंड आना चाहिए। चलो, इस क्वेश्चन का नाम, बॉडी हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटी लाइन विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेटेड सेल, बताओ कौन सी सेल के बारे में बात कर रहे हैं? फूड फिल्टर करने वाली फ्लैजेलेटेड सेल, बताओ किस सेल की बात कर रहे हैं? क्वानोसाइट। क्या ये कॉलर सेल की बातें कर रहे हैं? और बताओ कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट। कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। और किसी में ऐसी बात नहीं है। चलो भाई आगे बोलो, मेटाजेनेसिस किसी को याद है? व्हाट इज मेटाजेनेसिस? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप से मेडूसा बनने के लिए एसेक्स, और मेडूसा से पॉलिप सेक्सुअल, याद है? तो बताओ ये क्या होगा इसका आंसर? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ो भाई, ए जॉलेस फिश, एक ऐसी फिश जो फ्रेश वाटर में अंडे देती है, उसके लार्वा का नाम है एमोसीट्स लार्वा, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, एनाड्रोमस की कैटाड्रोमस। चलो बिटिया बताओ, व्हाट इज एनाड्रोमस, व्हाट इज कैटाड्रोमस? पहले तो भाई मुंह मत बनाया करो, खुश रहा करो, बैठ जाओ, नहीं पूछेंगे, डर जाते हो एकदम, ऐसा दुखी है जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। हाँ भाई हीरो, यस, व्हाट इज एनाड्रोमस, व्हाट इज कैटाड्रोमस? जो मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर पे आती है वो कैटाड्रोमस है, एनाड्रोमस, और जो फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जाती है दैट इज, और हमारी पेट्रोमाइजॉन कैसी है? कैटाड्रोमस की एनाड्रोमस, कहां से कहां आती है? मैराइन से फ्रेश वाटर, और इसका लार्वा फ्रेश वाटर में रहता है, मेटामॉर्फोसिस करता है, और फिर कहां लौटता है? मैराइन। तो बताओ आंसर, पेट्रोमाइजॉन। मैक्सीन भी दिया है लेकिन इसका आंसर एमोसीट लार्वा, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एमोसीट्स लार्वा इज ओनली प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजॉन, ठीक है? हे सर, मैक्सीन भी तो दिया है सर, नियोमैक्सीन भी तो दिया है, लेकिन एमोसीट लार्वा इज प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजॉन, थोड़ा एनसीईआरटी से आउट ऑफ कोर्स जाता है ना तब मुश्किल आती। अगला क्वेश्चन, Which of the following endoparasite of human does so viviparate? It is totally out of NCERT. इसे रट्टा मारेंगे। Trichinella spiralis, एक ऐसा endoparasite है जो अंडे पैदा करता है कि बच्चे, बच्चे, जैसा मैमल करते हैं वैसा ही करता है। Trichinella spiralis out of NCERT है, 2015 में पूछा गया और ये एग्जाम कैंसिल भी कर दिया गया था, आउट हो गया था।
चलो ट्राइकेनेला स्पाइरलिस, इट इज अ एंडोपैरासाइट विच सो द विविपैरिटी। चलो भाई इसमें देखेंगे कितना लोगों को आंसर आएगा। मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना एंड टू पेयर ऑफ लिम्स। बोलो हाँ मैमल सही है। अच्छा बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। पक्का तो बताओ, हर बंदे में हेयर होंगे, पिन्ना होगा, टू पेयर होगा, ये तो सही है। माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट ओपरकुलम, स्किन प्लेकॉइड स्केल एंड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड कॉन्ड्रिक्टिस। क्या ये सही है? यस ये भी सही है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉ अब्सेंट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल एंड पेयर्ड, पेयर्ड की अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, ये तो गलत लग रहा मुझे। आगे चलो, बॉडी कवर्ड विद फेदर, स्किन मॉइस्ट, ग्रैंडुलर फोर लिम्फोम, विंग्स, लंग्स विद एयर सैक। सही है ये भी सही है। मॉइस्ट है तो भैया ये मॉइस्ट है, ये भी गलत लग रहा। तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉब्स एंड एंटीग्रेंट विदाउट स्केल एंड, हाँ तो विदाउट को इसी के साथ जोड़ो, पेयर्ड अपेंडेजेस के साथ। तो अब विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस, विदाउट, तो बताओ क्या साइक्लोस्टोमेटा में पेयर है कि अनपेयर्ड है? हाँ तो अगर मैं बोलूं विदाउट पेयर्ड, इसका मतलब क्या हो गया? अनपेयर। तो क्या ये सही है? अब क्या बचा? क्योंकि इसकी स्किन मॉइस्ट है कि ड्राई है? ड्राई। तो मे बी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मुझे नहीं मालूम, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। विदाउट एनी एक्सेप्शन तो यही होगा, फर्स्ट होगा। तो दूसरे में क्या एक्सेप्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। फर्स्ट सही है, पहला सही है, हाँ इसमें परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड है, ये बात गलत है। अब इसमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉब सेंट विदाउट स्केल एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड की अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, तो ये भी गलत मान लो, ये भी गलत मान लो, केवल पहला सही है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग आ जाते हैं कभी कभी, और देखना चाहिए कैसे अटैक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट वीवी पैरस, प्लैटिपस इज वीवी पैरस की ओवी पैरस? ओवी पैरस, ओवी पैरस। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड? यस, इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना है? काइटिन का, और काइटिन के एक्सोस्केलेटन की वजह से कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, इतना हार्ड एंड रेजिस्टेंट है कि कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसीलिए दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, उड़ते हुए भी, यू नो, घरों में भी, आपको कहीं पर भी मिलेंगे, इनका एक्सोस्केलेटन बहुत कमाल का है। आगे चलो भाई, सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। देखो कितने दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। एक्सक्लूसिव मरीन है, एक्सक्लूसिव मरीन है, एक्सक्लूसिव मरीन है, नो सर, यस, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिव मरीन है, निडेरिया फ्रेश वाटर भी और मैरीन। तो बता रहे विच टैक्सा दैट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, इट इज निडेरिया। बाकी बेचारे सो रहे हैं कि बेटा क्या करेंगे सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल? कौन बंदा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा? एनिमल। कौन? एनिमल या फिर प्रोटोजोआ। अब देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल है, साइक्रोमाइसिस का नाम ईस्ट, ईस्ट में सेल वॉल है, यहां पर भी सेल वॉल है, यहां ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल है, अरे वही बात हो गई। अब बचा कौन? सी फैन, गार्गोनिया, पोरीफेरा की सिलेंटेटा, सिलेंटेटा एनिमल है और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट की अब्सेंट? अब्सेंट। जिस तरीके से तुम देख रहे हो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होगा। अगला क्वेश्चन, अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्पीडो होगा। आगे चलो भाई,
आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। यस, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा, देखते हैं ये सही है कि गलत है थोड़ी देर बाद, पहले दूसरों को देख ले। स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, इकाइनोडर्मेटा, ये नहीं है, है? नहीं है इकाइनोडर्मेटा। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश इज द आर्थ्रोपोडा, कैसा है? सिल्वर फिश इज द आर्थ्रोपोडा मेंबर। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्ट, गलत है। स्पाइडर इज अ अरेक्निडा, स्कॉर्पियन इज अ अरेक्निडा, सेंटीपीड इज डिप्लोपोडा, इनमें से कोई भी इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्टा के पास 6 पैर होते हैं, इनके पास जाने कितने पैर होते हैं। इंसेक्टा इज ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा, ये भी गलत है। भाइयों बहनों, जिसको तुमने गलत कहा था वही सही निकला, बोलो कौन? हाउस फ्लाई, इंसेक्टा, बटरफ्लाई, इंसेक्टा, सीसी फ्लाई, इंसेक्टा, सिल्वर फिश, इंसेक्टा, कितने पैर होते हैं? 6, हेक्सापोडा। जितने लोगों के पास 6 पैर हैं वो इंसेक्टा के मेंबर है। अब बताओ, मकड़ी के पास 6 की 8, जिनके पास 8 है वो एरेक्निडा के मेंबर है। किसके? एरेक्ट, बिच्छू में 6 की 8 कभी गिने नहीं सर, 8, तो याद रखना, जिनके पास 6 पैर वो हैं इंसेक्टा। अब बताओ, मक्खी के पास? देखा ही नहीं सर। मॉस्किटो के पास? कॉकरोच के पास 6, हेक्सापोडा, तो हेक्सापोडा आर द इंसेक्टा। इट इज आउट ऑफ कोर्स, लिटिल बिट आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर क्लासेस के बारे में पूछा गया। तो चलो भाई, पुराने क्वेश्चन है 2013 के, पहले के। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, फाइलम सेम होना चाहिए, पाप्रॉन का फाइलम। अरे जवाब दो, आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, आर्थ्रोपोडा, स्पंज, सी एनिमोन, स्टार फिश, हाँ इकाइनम, मलेरिया पैरासाइट, प्रोटोजो, अमीबा, मॉस्किटो, आर्थ्रोपोडा, और अर्थवॉर्म, एनेलिडा, पिनवॉर्म, राउंड राउंड एस्केलमेंथीस, टेपवॉर्म, प्लेटियल। तो ये तीनों एक जैसे नहीं, ये तीनों एक जैसे नहीं, ये तीनों एक जैसे नहीं, ये प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट, दीज आर सेम। आगे सुनो, पता भाई इसमें से लिम्बलेस कौन है? तुम लोग का मन लग नहीं रहा बेवकूफों, अभी आकर के मारूंगा, इधर ध्यान दो। पेट्रोमाइजियन, इट इज एक्टोपैरासाइट, क्या ये साइक्लोमिस्टमेटा का है? एक टायोफिश टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल नहीं है। लिम्बलेस एम्फीबिया, लिमुलस, बॉडी कवर्ड विद काइंडो पाइसेस नहीं है, क्या है? ऑर्थ्रोपोडा, फिर से बोलो। एडम्सिया, रेडियल सिमेट्री है, बोरी फेरा है, कैसा है? सीलेंट्रेड, तो कौन सही है? पेट्रोमाइजॉन, एक्टोपायरासाइट और साइक्लोस्टोमेटा, फर्स्ट इज करेक्ट, अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, सिल्वर फिश। अगर कभी सिल्वर फिश को देखना हो तो अपनी पुरानी किताबें खोलिए, पुरानी किताबों के बीच में एक सिल्वर कलर का कीड़ा निकलता है। किताबें बहुत पुरानी किताबों हो, उन किताबों में जो वो कीड़ा निकलता है एकदम सिल्वर कलर का, दैट इज नोन एज सिल्वर फिश, एंड सिल्वर फिश इज नॉट अ ट्रू फिश, इज इज अ आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। पुरानी किताबें बहुत दिनों से रखी हुई हो तो होगा। आगे सुनो भाई, हाँ, रेप्टाइल्स क्लास, द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टाइल्स आर बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट की ड्राई, स्केल्स होंगे, एपिडर्मल स्केल होंगे, तो बताओ ये वाला पॉइंट सही है कि गलत है? गलत। फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बायोंसी, ये तो किसके लिए है? फिश, ये गलत है। करेक्टरिस्टिक क्लास, मैराइन एनिमल विद कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन बॉडी कवर्ड विद प्लकॉइड स्केल, सही है कि गलत है? गलत है, ये कार्टिलेजनस फिश है। कौन है? तो बॉडी कवर्ड विद ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, स्केल ओवर द बॉडी, एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, सही कि गलत? सही है। कुछ लोग तो बोर हो गए कि सर अब बहुत हो गया,
यही वो चीजें हैं जो तुमको आगे बढ़ाएंगी। जितने भी एंटरटेनमेंट के चक्कर में तुम पड़ोगे उतना मरोगे। ये तुम्हारा रियल वर्क है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेन? ओनली सेक्सुअल। क्या ये सेक्सुअल है? सेक्सुअल दोनों है? सेक्सुअल है? सेक्सुअल दोनों है? दोनों है। बोलो कौन? सेक्सुअल। तो बताओ कौन? टीनो फोर। Which of the following animal is correctly matched with its one characteristic and taxon? कौन सही से मैच कर रहा? अब ये मेलिपीड सेंटीपीड आपके कोर्स में नहीं था, फिर भी ये वाला मैचिंग है। डक बिल प्लेटिपस ओवीपैरस और मैमेलिया। तो भाई ये क्वेश्चन को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मिलीपीड के बारे में आप जानते नहीं है। सिल्वर फिश के बारे में आपको मालूम है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो ये गलत है। आप बताओ, सी एनीमोन का क्लास निडेरिया हो सकता है लेकिन वो डिप्लोब्लास्टिक है, ये गलत है। मिलीपीड आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। किसका? और उनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो हो सकती है लेकिन वो एरेकनिडा का नहीं है, डिप्लोपोडा। किसका? डिप्लोपोडा। अच्छा भाई आगे बढ़ो। 33 के बाद आया शार्क एंड डॉग फिश डिफर फ्रॉम द स्केट। स्केट एंड रेज आपकी कोर्स में नहीं, इसलिए आप बता नहीं पाए। रे फिशेस और स्केट फिशेस आपके कोर्स में नहीं, इसको बाय करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ऑक्सीजन नॉट द ओजोन ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन? ट्रेकियल सिस्टम भी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आगे बढ़ो। फेरिटिमा, व्हाट इज फेरिटिमा? अर्थवर्म एंड इज क्रोज रिलेटेड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग फॉलन लीव्स। बताओ अर्थवर्म मिट्टी खाता है? सड़ी गली चीजों को खाता है? बस जल्दी जल्दी निपटा रहा है, जल्दी जल्दी देखो। पाइला, बॉडी सेगमेंटेड की अनसेगमेंटेड? अनसेगमेंटेड। सही है कि गलत है? गलत। एस्टेरियाज, स्पाइनी स्किन, इकाइनोडर्मेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सही कि गलत? सही है। साइकॉन, पोर बियरिंग, कैनाल सिस्टम। सही है। पेरिप्लेनेटा, ज्वाइंटेड अपेंडिस, आर्थ्रोपोडा, काइटिनस। कितने सही? 3। कितना गलत? पता कौन सा गलत? पाइला। आंसर क्या होगा? पाइला। नॉट करेक्टली मैच कौन सा? फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर शेयर्ड? अच्छा भाई, टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, इट इज मैमल, लेकिन ऑर्निथोरिंकस इज नॉट वीवीपैरस। ये वीवीपैरस है लेकिन ये वीवीपैरस नहीं है। घर जाकर के एग्जाम्पल लर्न नहीं किए और कल पता चलेगा टेरोपस का मतलब क्या होता है। फ्लाइंग फॉक्स, फिर से बोलो। एनसीईआरटी देखो, आपकी बुक में है ये, है। गार्डन लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ये बात गलत है। क्रोकोडाइल में कितना? 4 चैम्बर। एस्कैरिस एंड एंकाइलोस्टोमेटा सेगमेंटेशन मेटामेरिक, गलत है। बताओ कैसे है? स्यूडो मेटामेरिक। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, कोल ब्लडेड एंड पॉइकिलोथर्मस। सही है कि गलत है? सही। सी हॉर्स इज अ फिश, फ्लाइंग फिश इज अ फिश। तो ये दोनों फिश हैं और इनके पास कोल ब्लडेड है। चक्कर ये है ना कि हम टीचर गड़बड़ करते हैं। ये काम अगर आप करके आए जो कि आपको करना नहीं है, इससे आप टीचर को एसोसिएशन करते हो, अच्छा नहीं पढ़ाते, ये अच्छा पढ़ाते। ये मेरा काम नहीं है और इसी वजह से आप बोर होते हो बैठकर यहां पर। टीचर आपको थाली में परोस के देता है, फिर मुंह में डालता है, फिर भी तुम जबड़ा चला नहीं पाते, तो फिर टीचर से कोशिश करता कि तुम्हारा जबड़ा भी चलाए। और जब जबड़ा भी चला देता है टीचर, तो फिर कहते हो सर अब निकले कैसे? तो चाहते हो कि टीचर तुम्हारे मुंह में ठूस भी दे, और फिर जब तुम निकल लेते तो कहते सर डाइजेशन सही नहीं हुआ, सर चबाया सही नहीं था, आपने सही से चबवाया नहीं था। कल मेरे पास एक फोन आया कि सर आप बेसिक नहीं पढ़ाते हो। हम समझ गए कि बेटा ये कोई 3 क्लास के बाद बीच में घुसा होगा। ये बात सच है कि मेरी पहली दूसरी और तीसरी क्लास आप छोड़ दो, 2 क्लासेस छोड़ दो, तो उन क्लासेस में मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूं। जैसे कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गैमेटोफाइट एंड, अब अगर उसको किसी को नहीं मालूम तो वो नहीं समझ पाएगा कि स्पोरोफाइट में क्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्पोरोफिल में, स्पोरेंजिया में, स्पोरोजेनेसिस में, स्पोर मदर सेल में, मियोसिस, उससे क्या बनेगा स्पोर। और कुछ बेवकूफ लोग कहेंगे
कुछ लोग बेवकूफ लोग कहेंगे सर आप बेसिक, क्योंकि वो लोगों ने क्लास तो बेसिक एक ही बार पढ़ा जाता है, रोज बेसिक पढ़ोगे? मैं इन क्वेश्चन को दो क्वेश्चन और बताने वाला हूं, मैं अब चैप्टर पे जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा चेहरा लटका हुआ मुझे देखा नहीं जा रहा है। बताओ ये आंसर हो गया? Which one of the following category of animal is correctly described with no single exception? All reptile possess scales, three chamber. गलत है? अच्छा बताओ, all bony fishes have four pair of gill and operculum. सही है। All sponges are marine and colored shell. क्या कोई स्पंज बेटा फ्रेश वाटर है? All members are viviparous. गलत है? तो कौन सा ऑप्शन सही? सेकेंड। चलो, what will you look for the identify the sex of the following? यहां पर तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया है। यस, फीमेल एस्केरिस और मेल एस्केरिस में कौन ज्यादा बड़ी होती है? फीमेल, और ज्यादा शार्प एंडेड है। अच्छा बताओ, मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम, फीमेल कॉकरोच इट इज एनल स्टाइल नॉट द सरकाई, एनल स्टाइल, और मेल्स आर क्लैस्पर बॉर्न ऑन पेल्विक फिंस। तो याद रखना, पेल्विक फिंस में सार्क मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, क्या पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स पाए जाएंगे? ये सही है। फीमेल एस्केरिस शार्पली कवर्ड पोस्टीरियर एंड, कवर्ड है लेकिन इलोंगेटेड भी है, इसलिए पहला ऑप्शन की बजाय चौथे ऑप्शन पे जाइए। याद करो, कार्टिलेजिनस फिश के पास पेक्टोरल फिन की पेल्विक फिन, पेल्विक पे क्या पाए जाते थे? क्लैस्पर्स। और ये क्लैस्पर किस लिए होते थे? और बताओ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल। और डेवलपमेंट डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? अच्छा, वीवी पैरस की ओवी पैरस? अरे बेवकूफों, कुछ नहीं आ रहा, केवल तुम बोलते हो। जो सर बोलते हम पागल कि तुम पागल, तो बोले तुम पागल, तुम पागल कि हम पागल, हम पागल, क्योंकि आखिरी वाला शब्द रिपीट कर रहा है। सुनील सर के साथ तो यही चलता है, हम पागल कि तुम पागल, बाद में कौन आया? तुम पागल, तुम पागल, तुम पागल कि हम पागल, हम पागल। चलो क्वेश्चन को बाय-बाय करते हैं, 40 क्वेश्चन हो गए। हाँ, सही है, सही है, मुझे भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें क्या गलती है? अरे इसमें क्या गलती है? ओके, आई विल सी दिस। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी। कुछ बच्चे आए हैं जो आज पढ़ने के मूड से आए हैं, तो मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप ये क्वेश्चन मुझसे अब ऑन है। सो आज हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस यूनिट में हमारे पास पहला जो चैप्टर है, इट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऑल द चैप्टर बहुत रटने वाला सा है, लेकिन तुम्हें मालूम है बायोलॉजी एक साइंस है, और साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो एक या दो क्वेश्चन हर साल लगभग इससे पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, वो पोर्शन है फ्लावर के। हर साल फ्लावर कैरेक्टर्स आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, इसके अलावा इनफ्लोरेसेंस, इनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, या फिर आपको इनका एक स्पेशल पोर्शन है दैट इज नोन एज फैमिलीज। तीन फैमिलीज हमारे ग्रुप में है, हमारे क्लास में है, हमें मालूम है तीनों फैमिलीज याद है।
बोलो कौन? एक का है फेबेसी और एक का सोलेनेसी और एक का लिलियस. फेबेसी, सोलेनेसी, लिलियस. तो अगर आप इतनी चीजों पे ज्यादा कमांड रखते हैं तो आपके मॉर्फोलॉजी के तीन क्वेश्चन में से तीनों सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा है. तो वैसे तो मैं आपको एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में सब कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, सबका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन जब मैं फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस और फैमिलीज के ऊपर जाऊं, आप अपने एंटीना को बहुत साफ, बहुत सुथरा और बहुत कानों को बहुत साफ करिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिनको लोग रट्टा मारते हैं. सो अभी सोना नहीं है भाई किसी को. तो भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में जो पहला टर्म आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है और व्हाट इज द फ्लावरिंग प्लांट. कल मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट की डेफिनेशन पढ़ाते वक्त बहुत डिटेल में जाकर के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ाया है. आज आप लोग को उस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डेफिनेशन देनी होगी. बताइए, मैंने कल बताया था आपको विटेकर्स, आपने कितने प्लांट के बारे में बात की? पांच. यहां पर बैठ के बातें मत करो. पांच प्लांट के बारे में बात की. वन इज एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर बताइए ये सबके सब कैसे हैं? नॉन फ्लावरिंग की नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग. और बताइए ये कैसा है फ्लावर? तो एंजियोस्पर्म ओनली दे आर द फ्लावरिंग. और कल ही मैंने आपको बताया कि जो बेटा एंजियोस्पर्म है, इट इज अ स्पोरोफाइट. पहला कॉन्सेप्ट ये गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट. कल मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की कि ये स्पोरोफाइट है और ये दुनिया में गैमेट बनाने आया कि स्पोर. और मैंने आपको कसम खा के याद कराया था कि दुनिया का हर स्पोरोफाइट, दुनिया का तीन चीजें जरूर रखता है, याद है? नाम बताओ. रूट, स्टेम, एक्सेप्ट ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट में है फुट, सीटा, कैप्सूल. फिर से बोलो, फुट, सीटा, कैप्सूल. और इसीलिए वो डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और ये वाले इंडिपेंडेंट. अब ये क्वेश्चन नहीं है, अब ये उन बच्चों के लिए भी फ्रेश टॉपिक है जो आज पहली बार बैठे हैं. रिलैक्स होकर के सुनो, जहां ना समझ में आए बताना. मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल प्लांट पढ़ा रहा हूं कि फ्लावरिंग? फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट में जब मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो वैसे ऑल प्लांट में क्या क्या नाम बताए गए? बोलो. एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और ये वाला. और एंजियोस्पर्म इज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट दुनिया में कोई भी, उसमें तीन बातें होंगी. बोलो कौन कौन सा? रूट, एसएम. तो पहले अपने दिमाग में इसे बसाओ. इनके पास रूट होगा सर, इनके पास स्टेम होगा सर, और इनके पास क्या होगा? लीफ. रूट, स्टेम, लीफ के अलावा दे मे ऑल्सो हैव फ्लावर. और जब ये फ्लावर बेटा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दे विल फॉर्म फ्रूट. और इन फ्रूट के अंदर मिलेंगे सीड्स. तो चैप्टर शुरू होने के पहले तुम्हें मालूम है तुम्हें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. आपको इस चैप्टर में छह बातें पढ़नी है. बताओ छह बातें. रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड. और इनकी सबकी क्या पढ़नी है? मॉर्फोलॉजी. याद रहेगा? अभी भी नहीं रहेगा, याद रहेगा? तो बताओ एंजियोस्पर्म में टोटल कितनी चीजें? छह. नंबर वन, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड. और इन छह चीजों की हमें पढ़नी है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है. और किसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? यानी बाहर से कैसी दिखती है? अब बोलोगे नहीं, बाहर से कैसे दिखती है? तो वो रूट की क्या होगी? मॉर्फोलॉजी. बाहर से कैसा दिखता है? स्टेम. वो भी रूट का. स्टेम का क्या होगा? मॉर्फोलॉजी. लीफ की मॉर्फोलॉजी, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, फ्रूट की मॉर्फोलॉजी और सीड की मॉर्फोलॉजी. तो हमें रूट, स्टेम, लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है.
एनसीईआरटी शुरू ही यही करती है कि व्हाट इज द नीड टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। घर जाके पढ़ना एनसीईआरटी दोबारा और मुझे बताना कि वो पूछते हैं कि मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए नीड क्या है, क्यों हम मॉर्फोलॉजी पढ़ें। मॉर्फोलॉजी पढ़ने से हमें दो मुख्य फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, वी विल नो द स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म फॉर द स्ट्रक्चर्स। स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स फॉर स्ट्रक्चर्स, किसी भी स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म हमें पता चल जाएगा। जैसे ऑफसेट, सुना सुना लग रहा है? जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है टेरर ऑफ बेंगा वो जानते हैं जल कुंभी क्या, और जल कुंभी का स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म क्या होगा? ऑफसेट। फिर से बोलो, रनर याद है? रनर इज अ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म फॉर ग्रास। फॉर जवाब दो नहीं फिर गड़बड़ होगा, जो पढ़ा चुका हूं उसका जवाब दो। क्या रनर है? सकर है? बल्ब है? बल्ब इज द स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म फॉर अनियन। फिर से बोलो, याद है? गार्लिक है? राइजोम याद है? राइजोम, राइजोम, जिंजर एंड बनाना। तो क्या हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ने से स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म पता चलते हैं? यस, बातें नहीं। इसके अलावा वी विल नो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। इन्हीं टेक्निकल टर्म की हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी पता चलती हैं। जैसे मुझसे कोई बोले रनर और राइजोम में डिफरेंस क्या है, तो क्या दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है? तो राइजोम की डेफिनेशन अलग है, रनर की डेफिनेशन अलग है, तो इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता चलती है। तीसरा, वी गेट टू नो द एडाप्टेशन, एडाप्टेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। कई ऑर्गन के एडाप्टेशन हमें पता चलते हैं। जैसे हमें मालूम है हमारे पास एक स्टेम है, स्टेम के बगल से निकली है ब्रांच, ये रहा स्टेम, ये रही ब्रांच, और स्टेम और ब्रांच के बीच में एक बड निकली है, बड का नाम है एक्साइल बड या फिर एक्सिलरी बड, बोलो क्या नाम है? और एक दिन ये एक्सिलरी बड अडॉप्ट करके टेंड्रिल बना दी। क्या बना दी? टेंड्रिल। तो बताओ ये बड बची कि टेंड्रिल हो गई? टेंड्रिल। तो बताओ टेंड्रिल क्यों हो गई? क्योंकि इसे दीवाल में चढ़ना था, और दीवाल में चढ़ने के लिए इसको क्या करना था? अडॉप्ट। तो बताओ मॉर्फोलॉजी से हमें कितनी चीजें पढ़ने में सहायता मिलेंगी? तीन। एंड दीज ऑल थिंग्स आर रिटेन इन योर एनसीईआरटी। गो फॉर दीज टर्म और इन्हें अंडरलाइन करिए। जहां पर भी अंडरलाइन मिल जाए इसे अंडरलाइन करिए। बताओ जो जो मैं पूछूं उतना बताओ, फिर आगे पढ़ते हैं। बताओ प्लांट कितने प्रकार के? दो। चलो भाई, प्लांट कितने प्रकार के? दो। पांच, सात, नौ, कितने? पांच। विटेकर साहब हैं? बोलो नाम बताओगे? उधर बिना देखे बोलो कौन? एलगी, टेडो, जिम्नो, एनजीओ। पक्का? इसमें बाकी सब नॉन फ्लावरिंग एक्सेप्ट एनजीओ। एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे? छह चीजें दिखाई पड़ेंगी। बोलो छह की चीजों के नाम बताओ। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सी। इनकी हमें क्या पढ़नी है? इंटरनल स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। बाहर से हम किसी स्ट्रक्चर में कैसे दिखते हैं, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। और इस मॉर्फोलॉजी के पढ़ने की क्या जरूरत है? तीन बातें, बोल पाओगे? जो लोग बोल पाएंगे सही लगे। बोलो क्या? स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म पता चलेंगे? क्या पता चलेंगी? स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और क्या पता चलेंगे? एडाप्टेशन फॉर वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन के एडाप्टेशन। अब बोर्ड में कुछ नहीं, अब बोल दोगे तो मैं मान जाऊंगा। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? बोलो, स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एंड ये समझने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जो है स्टडी ऑफ
इंटरनल स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में टोटल कितने हैं? 6। पहला रू, दूसरा स्टेम, तीसरा ली, फ्लावर, फ्रूट, सी। पक्का? तो हमारे हिस्से में जो पहला आता है इट इज द रूट। चलिए भाई हम लोग रूट को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर के लिए पेन ड्रॉप करिए और सामने देखिए। बोलते हैं रूट हो कि स्टेम हो कि सीड हो कि वट एवर, इसकी शुरुआत होती है सीड से। सीड के पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो अभी थोड़ी देर के लिए आपको शायद समझ में ना आए। आप मान के चलिए कि एक सीड है। आपने चने का सीड देखा होगा। चने के सीड में जब अंकुरण निकलता है तो अंकुरित अनाज की तरह कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। तो सीड में दो पार्ट है। कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट इट इज नोन एज एपिकोटाइल। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। और कॉटिलेडन के नीचे वाला पार्ट इट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, कॉटिलेडन मतलब कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और कॉटिलेडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। याद रखना एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है, दिस टर्मिनल पार्ट इट इज नोन एज प्लिम्यूल। और हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट दिस इज नोन एज रेडिकल। प्लिम्यूल आगे चल के पूरा सिस्टम पैदा करेगा, दैट इज नोन एज शूट सिस्टम। और इस शूट सिस्टम में मिलेंगी स्टेम, लीफ, ब्रांच। और रेडिकल आगे चल के पैदा करेगा रूट्स। तो रूट को समझने के लिए पहले सीड समझना जरूरी है, जहां पर से सारी कहानी शुरू हुई। तो जैसे ही आप सीड को जमीन में डालेंगे, जैसे ही सीड को आप जमीन में डालेंगे, ये देखिए भाई, यहां से एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में से हाइपोकोटाइल एक्सटेंड होगी टूवर्ड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है टूवर्ड्स इनसाइड द अर्थ। और अर्थ की तरफ ग्रो होती हुई ये रेडिकल का एक्सटेंशन बनाएगी। एंड दिस रेडिकल एक्सटेंशन इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ, सॉरी प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। सो कभी मैं पूछूं व्हाट इज प्राइमरी रूट, क्या आपको जवाब आ पाएगा? इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ रेडिकल, एक्सटेंशन ऑफ। तो रेडिकल अगर आगे बड़ी तेजी से बढ़ेगा तो जो रूट पैदा होंगे, नाम बताओ, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से जो बेटा रूट्स निकलेंगी, दीज आर नोन एज सेकेंडरी रूट्स। बोलो क्या नाम है? सेकेंडरी रूट्स। और सेकेंडरी रूट से जो बेटा रूट्स निकलेंगी, दीज आर नोन एज लैटरल रूट, सॉरी टर्शियरी रूट्स। दीज आर नोन एज टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट के बाद जो सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट हैं, दीज आर नोन एज लैटरल रूट्स। भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, नहीं तो गड़बड़ करोगे। तुम पक्का करोगे, हम तो समझा रहे, तुम गड़बड़ कर दोगे। बताओ, एक रूट है जिसका नाम क्या है? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट के बाद सब कुछ, बोलो, प्राइमरी रूट के बाद जो भी निकले। हाँ, तो लैटरल रूट में क्या क्या आ सकती है? सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। और इस तरीके से एक सिस्टम बनेगा। दिस सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। इट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम बना है। एंड द टैप रूट सिस्टम इज अ फीचर ऑफ डायकॉट। जितने भी डायकॉट प्लांट होंगे उन सब में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। डायकॉट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके बीज में दो फलक पाए जाते हैं। जैसे चने में दो फलक है, मटर में दो है,
आम में दो हैं, तो याद रखना डाइकॉट प्लांट में जो रूट सिस्टम होता है इट इज टैप रूट सिस्टम। बताओ मस्टर्ड कैसा है? मस्टर्ड देखे हो? लाही को कभी उसका कवर निकाल कर देखो, लाही मतलब राई, राई मतलब सरसों, सरसों को खोल करके देखोगे उसमें एक फलक के दो फलक, एक फलक। कितने लोगों ने राई देखी सरसों? कितने फलक? ऊपर से तो सर एक ही दिखता है, कभी उसे। तो बताओ मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। The mustard is the example of tap root system. P इसका एग्जाम्पल है। बच्चे रट्टा नहीं मारने हैं, जितने लोगों के पास डाइकॉट है वो सब के सब कैसा एग्जाम्पल रखेंगे, और जो लोग मार्फोलॉजी में रट्टा मारेंगे वो मरेंगे, और जो लोग विजन रखेंगे। यहां दो एग्जाम्पल दे दिए मैंने टैप रूट के। मैंने पूछा आम क्या है? सर एनसीईआरटी में नहीं दिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। आम इज मोनोकॉट की डायकॉट। इमली इज सर, इमली जब खाई है तो उसमें तो बीज एक ही है, एक ही है। बेटिया तुमने इमली खाई नहीं, इमली खाने वाले पहले उसका खट्टा पदार्थ खा लेते हैं, उसके बाद इमली के बीज को चबाते रहते हैं, फिर उसके दो फलक टूटते हैं, इसे मतलब तुमने इमली नहीं खाई। आज सही से इमली अमी लोग खाते हैं ना। हाँ अभी तुम बीजों को तोड़ तोड़ करके देखो, गेहूं में तुम्हें दो फलक दिखते होंगे। अच्छा मक्के में एक दिखता है, तो डाइकॉट की मोनोकॉट। गेहूं धान बाजरा पक्का? अरे यार ये तो सब कुछ जानते हैं। अच्छा आम इमली मटर आलू आलू में सीड नहीं पाए जाते आइटमों का आलू में सीड पाए जाते हैं, लेकिन जिसे तुम आलू समझते हो वो सीड नहीं है। हर वो बंदा जिसमें फ्लावर है उसमें क्या होंगे? फ्रूट। और जिसमें फ्रूट है उनमें क्या होंगे? सीड। ये मत कहो यार किसान के बेटे हो भाई साहब, आलू में सीड नहीं होते? होते हैं। बोले नहीं होते सर, सर को भी पता नहीं है, हम को कुछ ना पता हो खेती में, फिर भी हम जानते हैं इट इज द मेंबर ऑफ एनजीओ स्पर्म, और एनजीओ स्पर्म में स्पर्म इज सीड, कवर्ड की अनकवर्ड कवर्ड। तो ये घोंचू चंद सीड तो पाए जाएंगे, लेकिन जो तुम खाते वो सीड है? फ्रूट है? फिर क्या है? हाँ स्टेम। आलू में क्या खाते हो? स्टेम। अदरक में क्या खाते हो? हाँ स्टेम। बोले फ्रूट खाते, अदरक का फ्रूट खाते हो? ये पढ़ाएंगे बाद में, आज हम तो कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं। आलू में अदरक में हल्दी में शकरकंद में शकरकंद में रू, ये बाद में पढ़ेंगे हम, पहले आज तुम्हारा कॉमन सेंस पता कर लेते हैं। फिर से बताओ आलू में स्टेम? अच्छा भाई शकरकंद में घुइया या अरबी में स्टेम? हमें तो पक्का विश्वास है कि तुम आज की क्लास बर्बाद करने, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सोच लो अभी सर ने चैप्टर भी नहीं शुरू किया, आप इसको यहीं रखो, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम आपस में बातें करें, ऐवें ही दिमाग खराब हो गया हमारा, दिमाग खराब हो गया ऐसी बातें कर रहे। चलो सब्जियों के नाम गिनते हैं। टमाटर देखा है? टमाटर इज फल और स्टेम। फ्रूट है? अच्छा बताओ प्याज इज, प्याज इज लीफ। प्याज में क्या खाते हो? लीफ। पहले पता चले खा क्या रहे हो? प्याज में लीफ। लहसुन में लीफ। लौंग में कली, लौंग में कली, कली दैट इज बड। नहीं आया? पहले तो फील करें, इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी हम आपको दोबारा पढ़ेंगे, आप यहीं रुको, कॉमन सेंस टेस्ट हो रहा है। आलू में स्टेम? बताओ अदरक में? चलो बाय लाइन से। हल्दी में?
गुड़िया में डर रहे पता नहीं, अरबी नहीं खाई सर, वो तो हमें तो जड़ जैसी लग रही है। हाय राम, अदरक भी तो जड़ जैसी लग रही है। अरे अदरक कहती कि मैं स्टेम हूं, अरबी ही इज, अरबी इज स्टेम, अरबी दैट इज गुइया। हाउ मेनी यू नो द गुइया? यस, गुइया नहीं गुइया। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो द अरबी? हाउ मेनी ऑफ यू नो द तरोई? गुड, मैनी ऑफ देम। तरोई जानते हैं आप? ओके, लौकी, कद्दू, सीताफल, भाइयों ये चैप्टर कंफ्यूज कब होता है? मैंने ये सेशन क्यों किया ध्यान से सुनो, ये चैप्टर कंफ्यूज तब करता है जब हम बहुत सारा प्रेशर लेके चलते हैं कि रटना है, और ये चैप्टर इतना इजिली निकलेगा बिटिया, इतना इजिली निकलेगा अगर तुम दिमाग में डायग्राम या फिगर या जो तुम जानते हो लेके चलो, बहुत इजिली निकलेगा, तुम्हें लगेगा भी नहीं कि मॉर्फोलॉजी रटने की जरूरत है। चलिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं, रूट। रूट में हमने सीट पढ़ा, सीट में एक्सिस पढ़ी, एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला एपिकल का टर्मिनल पार्ट प्लीमियो, इट इज रेडिकल। ये रूट सिस्टम बनाएगा, ये रूट सिस्टम बनाएगा, कैसे बनाएगा? देखो जैसे ही सीट डाला ग्रो करेगा, कौन? रेडिकल। फिर से बोलो, प्राइमरी रूट बनेगी, प्राइमरी रूट में जितनी भी रूट निकले दैट इज लैटरल रूट, दिस कैन बी सेकेंडरी एंड टर्स, एक जाल जैसा, मकर जाल जैसा रूट का बनेगा, दैट मकर जाल इज नथिंग बट टैप रूट, एंड द टैप रूट इज, द टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट के डायकॉट, डायकॉट। अब डायकॉट के एग्जाम्पल लर्न करने, सर बताओ टैप रूट सिस्टम कहां पाया जाता? घबराओ मत, आपके कोर्स में तीन फैमिली में दो डायकॉट फैमिली है, सोलेनेसी एंड फेबेसी, सोलेनेसी एंड फेबेस, मोनोकॉट के डायकॉट देखना चालू करो मेरी तरह, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और प्लीज हंसना मत। सोलेनेसी की पहचान है टोपी वाली फैमिली, उनके फलों में टोपी रहती है, टमाटर में हरी टोपी दिखी, बैगन में टोपी, मिर्च में टोपी, आपको एक आलू में कहा है, आलू इज स्टेम, उसका फल देखोगे तो उसमें भी क्या होगी? टोपी। मकोई, हाउ मेनी ऑफ यू नो द मकोई? जानते हो, छोटा टमाटर जैसा, ऑल्सो हैव टोपी। तो बता, सोलन ऐसी टोपी वाली फैमिली है? मेरी तरफ मत देखो मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं तुम्हें क्या पढ़ाना है मुझे। तो मस्टर्ड डायकॉट, पी डायकॉट, सोलेनेसी का कोई भी मेंबर डायकॉट, और अगर मैं यहां ब्रिंजल लिख दूं तो तुम कहोगे सर ब्रिंजल लिखा था, और तो नहीं लिखा था, पर मैं यहां पर 10 एग्जांपल बता सकता हूं। बताओ, टमाटर होगा? yes, टमाटर मतलब टोमेटो। चिली होगा? yes, मकोई होगा? yes, पोटैटो होगा? yes, नो सर नहीं, यस सर। फैमिली का नाम? मटर वाली फैमिली में मटर होगा? yes, चना होगा? yes, अरहर होगा? yes, मूंग की दाल होगी? yes, राजमा होगा? yes, कोई भी दाल का नाम लिख दो। मोनोकॉट की डायकॉट, डायकॉट। मस्टर्ड मोनोकॉट की डायकॉट, डायकॉट। एग्जाम्पल दिया है एक, तुम्हें आ गए 50, क्योंकि तुम्हें मालूम है जिनके पास बीज पत्रक दो हैं, मोनोकॉट की डायकॉट, डायकॉट। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ो। अब इधर देखो, जितने लोग खेती बाड़ी जानते हैं वो जानते हैं बात कि जैसे सर मैंने सीड डाला, स्टेम तो ग्रो कर गया बढ़िया, लेकिन जो इसका रेडिकल था इट गेट्स डिप्रेस्ड, यानी ये खराब हो गया। जब रेडिकल खराब हो गया, रेडिकल डीजेनरेट हो गया, तो अब रूट कैसे बने? अब रूट कैसे बने सर? तो याद रखना, स्टेम बना हुआ है, इन्हीं स्टेम की बेस से बहुत सारी जड़ें निकल आई।
और इसमें कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई टर्सरी नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी शब्द किससे रिलेटेड था? रेडिकल, फिर से बोलो, और रेडिकल बचा कि डीजनरेटेड है, डीजन, और अगर रेडिकल डीजनरेटेड है तो प्राइमरी रूट, और जब प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी, टर्सरी, लैटरल, तो बताओ जितनी रूट है क्या वो बेस ऑफ स्टेम से निकल रही है? और बेस ऑफ स्टेम से निकलने की वजह से ये कुछ फाइबरस पतली पतली दिखाई पड़ रही हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फाइबरस रूट सिस्टम। और फाइबरस रूट सिस्टम इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट। माय डियर, आप गेहूं का पौधा जड़ों से उखाड़ कर देखिए, फाइबरस रूट मिलेगी। आप राइस को उखाड़ कर देगी, और अगर नहीं देख पा रहे तो मक्के को जाकर खेत में देखो, मक्के की जड़ें बड़ी टाइट हो जाती हैं, बाद में तुमने देखी होगी, मक्का काटने के बाद उसके खेत में तुम दौड़ नहीं सकते, अगर तुम दौड़े तो वो पैर में चुभ जाएगा, इतनी जड़ें ऐसी हैं, टाइट जड़ें हैं। तो याद रखना, फाइबरस रूट इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट, डायकॉट के मोनोकॉट। और मुझसे बोला गया सर एग्जाम्पल बताइए, ऐसे नहीं चलेगा, तो बताओ क्या एग्जाम्पल होगा? वीट, और बोलो राइस, और बोलो मेज, इन सब की रूट जो है वो कैसी है? फाइबरस, फाइबरस। तो बताओ कितने सिस्टम पढ़ लिए? वन इज टैप रूट सिस्टम, दूसरा कौन? फाइबरस। इसके बाद भाइयों बहनों, इसके बाद एक और रूट आती है, इस रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और जो लोग इसका भी रट्टा मारते हैं वो भी बेवकूफ है। मैंने आपको एडवेंटिशियस का मतलब बताया था, इम्प्रॉपर रूट। अगर अपने प्रॉपर की जगह से इम्प्रॉपर जगह से निकला है, प्रॉपर जगह है रेडिकल, अगर रूट रेडिकल की बजाय किसी और जगह से निकल आए तो बताओ वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। तो इनफैक्ट फाइबरस रूट सिस्टम इज ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, इसमें कोई डाउट नहीं, डरना मत, एकदम सही। बट एडवेंटिशियस रूट को हम लोगों ने टैप रूट और फाइबरस रूट से थोड़ा अलग रखा। हमने कहा कि सर जब मक्के की आपने फसल देखी या सुगर केन की फसल देखी, तो सुगर केन की फसल में आपने नोड और इंटर नोड्स देखे, नोड सर, और जो सबसे आखिरी वाला नोड है, इस नोड मतलब स्टेम से रूट निकल रही है, और ये रूट बेटा स्टिल्ट रूट कहलाएं। क्या कहलाएं? स्टिल्ट। क्या कहलाएं? स्टिल्ट। तो बताओ ये रूट प्रॉपर जगह से निकले कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। जवाब नहीं आ रहा, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? रेडिकल से निकली कि स्टेम से? स्टेम से। और क्या हम सब लोगों ने बरगद की ये ब्रांच में लगी हुई ये लटकती हुई जड़ें देखी हैं? बताओ ये प्रॉपर जगह से हैं कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर से निकली हुई जितनी जगह, जितनी जड़ें हैं, बताओ नॉर्मल है कि एडवेंटिशियस? एडवेंटी। तो बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल क्या होंगे? बैनियन, मेज, सुगर केन एटसेट्रा। अब पता नहीं मेरे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से मैच करते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें रट्टा मारने की बजाय कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी पढ़ रहे, अगर वहां ग्रास और मॉन्स्टेरा लिखा हुआ है, तो ग्रास इज मोनोकॉट की डायकॉट? मोनोकॉट। अगर मैं इस जगह पर ग्रास लिख दूं, तुम खुश हो जाओगे एनसीईआरटी की बात सर ने लिख दी। व्हाट इज ग्रास? मोनोकॉट। तो बताओ ग्रास का रूट सिस्टम? फाइबर। मॉन्स्टेरा लिख दूं, डायकॉट की मोनोकॉट? मोनोकॉट। और मैंने बोला मोनोकॉट का जो सिस्टम है ये एक एडवेंटिशियस सिस्टम है, क्या ये एग्जांपल एडवेंटिशियस के साथ जा सकता है? यस। बताओ प्रॉपर जगह से अगर कोई रूट निकले तो नॉर्मल रूट, अगर इम्प्रॉपर जगह से निकले तो एडवेंटिस। नहीं आया? आया। बताओ सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस के कितने पार्ट? जवाब दो। वन इज एपिकोटाइल, दूसरा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट? मजा नहीं आ रहा भाई। अच्छा हाइपोकोटाइल का रेडिकल, प्लिम्यूल से क्या बनेगा? सूट सिस्टम। रेडिकल से रूट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं।
अब देखा मैं बोर्ड हटा दे रहा हूं और तुम बताओ रूट सिस्टम तुमको कितने प्रकार की सर ने पढ़ाई, तीन। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी देखो और इसका चार्ट बनाओ ताकि आप कॉन्सेप्ट के बाद चार्ट रट्टा मारने में बड़े होशियार रहते हो। रूट तीन प्रकार की, एक कौन टैप रूट, अब देख रहा तुम खुश हो जाओगे, अभी कॉन्सेप्ट से खुश नहीं हुए, चार्ट से खुश हो जाओगे। टैप रूट के बाद दूसरा है फाइबरस रूट, फाइबरस के बाद तीसरी तरीके की रूट एडवेंटिशियस। पर बेटा चाहे जितना चार्ट बना लो कॉन्सेप्ट नहीं है तो बेकार है। बताओ टैप रूट इज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर? फाइबरस इम्प्रॉपर, एडवेंटिशियस इम्प्रॉपर, लेकिन ये सिस्टम की तरह पाई जा रही है। मोनोकॉट, डायकॉट की मोनोकॉट, मोनोकॉट, और क्या ये भी सिस्टम की तरह पाई जा रही है? कहां पर? डायकॉट। अच्छा तो टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन डायकॉट। अपनी एनसीईआरटी देख के बताओ एग्जाम्पल। रीट दिया है? अरे बेवकूफो, इससे बढ़िया तो हम एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ा रहे। बताओ क्या है? मस्टर्ड। कम से कम एनसीईआरटी तो रट्टा मारो। अगर मैं मस्टर्ड के अलावा, ये एनसीईआरटी है, ये लिख दिया एनसीईआरटी, अगर मस्टर्ड के अलावा मेरा मन और एग्जांपल लिखने का कर रहा है तो मैं ना लिखूं? बताओ पी होगा कि नहीं होगा? मोनोकॉट की डायकॉट? मस्टर्ड तो हो ही चुका है। बताओ ब्रिंजल होगा कि नहीं होगा? मोनोकॉट की डायकॉट? जितने भी डायकॉट लोग हैं उनका रूट सिस्टम इज फाइबरस की टैप। पर सर हम नहीं मानेंगे, ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो नहीं दिया तो ये रट्टा मार लो। फाइबरस रूट सिस्टम मोनोकॉट में है। एग्जाम्पल बताओ। बताओ क्या दिया है? रीट दिया है। और क्या दिया है? राइस दिया है। और क्या दिया है? मेज। बताओ फाइबरस रूट सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे? रूट कहां से निकली है? रेडिकल से कि बेस ऑफ स्टेम? इनका रेडिकल बचा कि डीजनरेट? डीजनरेट। बेस ऑफ स्टेम से निकला है। अच्छा बताओ इसके अलावा कहीं से रूट निकल जाए तो? एडवेंटेज। क्या इसके एग्जाम्पल में आपकी बुक में ग्रास दिया है? एनसीईआरटी देखो, ग्रास दिया है, मॉन्स्टेरा दिया है। अब आप कहोगे सर हम नहीं मानते, आपने तो कुछ और पढ़ाया था। देखो मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या बरगद की लटकती हुई जड़ें पढ़ाई थी? प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। क्या ये भी एडवेंटिशियस रूट है? यस। और क्या मक्के की बेस ऑफ स्टेम वाली रूट पढ़ाई थी? प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। पर अगर तुम्हारा मन ना भरे, तुम्हें लगे सुनील सर ने गलत पढ़ाया, तो तुम रट्टा मार लो जो एनसीईआरटी में दिया है। तुम भी खुश हम भी खुश, रट्टा मारो टैप रूट। बातें मत करो यार भाई, कुछ बात हो तो हमको भी ज्ञान दो। रट्टा मारो टैप रूट। बाकी नहीं याद करोगे? कर लोगे? मोनोकॉट की डायकॉट? फाइबरस, वीट, राइस, मेज, एडवेंटिशियस, ग्रास एंड मोस्टेरा। अगर आप यहीं तक लटके रहे तो आप हैं बेवकूफ। क्या बेनियन हो सकता है? और बेनियन की कौन सी रूट्स? प्रॉप रूट, आगे पढ़ाऊंगा। और क्या स्टिल्ट रूट भी हो सकती है? वो मतलब मेन रूट है कि एडवेंटिशियस? एडवेंटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंटिशियस? प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। खड़े हो? हाँ। ब्रायोफिल्म, लीफ मार्जिन, दीज आर द बर्ड। नाम बताओ। ये क्लास नहीं की थी, किसी को याद है? एडवेंटिशियस बर्ड, बोलो कौन सी बर्ड है? बताओ ये बर्ड प्रॉपर जगह से निकली कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। बातें बिल्कुल मत करो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल यही फोकस रहो। कोई भी चीज जब किसी इम्प्रॉपर जगह से निकलेगी बताओ वो एडवेंटिशियस होगी। क्या होगी? एडवेंटिशियस। अब बोर्ड में कुछ नहीं है, अब अगर बता दोगे तो मैं समझूंगा आया।
पता प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट सिस्टम मिलाकर जो रूट सिस्टम है टैप रूट मोनोकॉर्ड की डायकॉर्ड एनसीईआरटी का एग्जांपल मस्टर और बता सकते हो बोलो पी अच्छा बताओ फाइबरस रूट सिस्टम दिखाई पड़ रहा है रेडिकल डिजेनरेट हो गया बेस ऑफ सिस्टम से रूट निकली पतली पतली फाइन रूट है फाइबरस रूट बोलेंगे एग्जांपल मोनोकॉर्ड होगा बुक में क्या दिया है वीट राइस मेज पक्का लोअर नोड से अगर बेटा रूट निकल आए स्टेम से रूट निकल आए किसी और जगह से रूट निकल आए एडवेंटिस दो एग्जांपल दिया है एक कौन ग्रास दूसरा कौन मॉन्स्टेरा नाउ द फंक्शन ऑफ रूट और जितने लोगों से मैं फंक्शंस पूछूंगा इसी सीक्वेंस में बताएंगे सारे लोग सर पहले बताया ये पहले बताया था सर वही बता रहे मार पड़ेगी रूट का जो फर्स्ट फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन है द फर्स्ट फंक्शन इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इस दुनिया में हर जड़ धरती से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए आई है और इसका जो दूसरा फंक्शन है इट इज एंकरेज ये पौधे को एंकर करके रखती है पौधे को जमीन में जोड़ करके रखती है एंकरेज लिखने के पहले सुन लो किसी ने भी सपोर्ट बोला मार पड़ जाएगी क्या मैंने यहां सपोर्ट लिखा है सपोर्ट लिखा है सपोर्ट नहीं लिखा क्या लिखा है एंकरेज यस तीसरा जो फंक्शन यहां पर है आपकी बुक में दिया पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल दूसरा फंक्शन एंकरेज तीसरा फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड हर रूट इज द ध्यान सुनो दुनिया की हर रूट फूड का स्टोरेज कर रही है आप माने या ना माने पौधे में रूट इज नॉन ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट है तो बताओ ये फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या खाना भी नहीं खाएगा तो बताओ इसके लिए फोटोसिंथेसिस कौन कर रही है लीफ हाँ तो लीफ रोज फोटोसिंथेसिस कर रही है रोज खाना इनके पास भेज रही है एक दिन फोटोसिंथेसिस मान लो कम हुई तो क्या उस दिन जड़ मर जाएगी एक दिन सूरज ही नहीं निकला तो क्या ये जड़ मर जाएगी इसलिए जड़ टेम्परेरी रूप से थोड़ा बहुत फूड जरूर बचा के रखती है तो स्टोरेज ऑफ फूड इट इज द थर्ड फंक्शन कुछ लोग कहते हैं कि सारी जड़ें स्टोरेज नहीं करती नहीं हर जड़ फूड का स्टोरेज करती है और चौथा और आखिरी फंक्शन है दे फॉर्म द पीजीआर पीजीआर इज नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बारे में मालूम होगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये बेटा प्लांट हार्मोन है जो बेटा रूट्स के एपेक्स में और सूट के एपेक्स में बनते हैं चलो चार फंक्शन रूट के सब लोग बोलेंगे पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन ऑफ दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड तीसरा फंक्शन चौथा फंक्शन पीजीआर फॉर्मेशन ऑफ पीजीआर व्हाट इज पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेट इन्हीं को हम लोग प्लांट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से प्लांट दीज आर द फंक्शंस ऑफ द रूट हटाते हैं अब बताओ कितने फंक्शन
चारों दिख रहे हैं? पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, दूसरा एंकरेज, तीसरा स्टोरेज ऑफ फूड, चौथा पीजीआर का फॉर्मेशन जैसे कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, दीज आर नोन एज रीजंस ऑफ द रूट। रूट में कौन कौन से रीजंस पाए जाते हैं ये देखना है हमें। अगर आप रूट का माइक्रोस्कोपिक विजन करें, बहुत अच्छे तरीके से रूट का माइक्रोस्कोपिक विजन करें, तो रूट में सबसे नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, दैट इज नोन एज रूट कैप। हर रूट में रूट कैप पाया जाएगा, अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो। टेरेस्ट्रियल रूट है तो इसका मतलब अगर जमीन में ग्रो करने वाला पौधा है तो वो रूट कैप रखेगा। पर भाइयों बहनों, अगर ये रूट एक्वेटिक प्लांट में पाई गई है तो इनमें पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज रूट पॉकेट। ये एक्वेटिक प्लांट की निशानी है। तो बताओ, अगर मैं बोलूं वाटर हायसिंथ में रूट कैप होगी कि नहीं होगी, बताओ क्या होगा? रूट पॉकेट। और टेरेस्ट्रियल पौधों में क्या होगा? रूट कैप। रूट कैप के जस्ट बाद वाला दैट इज प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर जो होगा, यहां पर जितनी भी सेल होंगी सब डिवाइड करने वाली सेल होंगी, डिवाइडिंग कंडीशन में सेल होंगी, इट इज नोन एज मेरिस्टमैटिक जोन। मेरिस्टमैटिक जोन, या फिर इसी को बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ सेल डिवीजन, मेरिस्टमैटिक जोन के बाद जो जोन होगा वहां पर सेल्स इलोंगेट हो रही होंगी और अपने अंदर वैक्यूल पैदा कर रही होंगी। इनके अंदर वैक्यूल पैदा हो रहा होगा और इलोंगेटेड सेल मिल रही होंगी, इट इज नोन एज इलोंगेशन जोन। या फिर इसी जोन का नाम है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। कुछ लोगों को लग रहा होगा बात में अंतर क्या है, सर ने दो बार क्यों लिखा, मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इलोंगेशन जोन और जोन ऑफ इलोंगेशन में बात एक ही है, लेकिन दो बार क्यों लिखी है अभी पता चल जाएगा। और इसके बाद वाली जोन जो होगी दैट इज नोन एज मैचुरेशन जोन। यहां पर जितनी भी सेल होंगी वो मैच्योर हो चुकी हैं, परमानेंट हो चुकी हैं, एंड दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। एक बात और आपको याद रखनी है, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन जो है वहां पर बेटा हेयर्स पाए जाते हैं, एंड दीज हेयर्स आर नोन एज रूट हेयर्स, एंड दैट्स व्हाई दिस जोन इज आल्सो नोन एज रूट हेयर जोन। रूट हेयर के होने की वजह से इस जोन का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है इसी जोन से। तो जब भी आप रूट के रीजन देखेंगे, रूट में सबसे नीचे की तरफ एक कैप होगी, कैप का नाम होगा रूट कैप। रूट कैप की जगह रूट पॉकेट रखना, ये किसका फीचर है? एक्वेटिक प्लांट। फिर से बोलो, अगर मैं बोलूं कि वाटर हाइसिंथ में रूट कैप है कि रूट पॉकेट? रूट पॉकेट। अब ध्यान सुनो, अगर मैं अर्थ सरफेस को रेफरेंस मानूं, दिस अर्थ सरफेस इज द रेफरेंस,
तो ये वाला हिस्सा अर्थ सरफेस से पास की दूर, हाँ, और ये वाला पास। तो याद रखना, इट इज द डिस्टल मोस्ट पार्ट, मोस्ट डिस्टल पार्ट, कल भी पढ़ाया था मैंने, एंड इट इज द मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट, और वो आपको इन्हीं क्वेश्चन में फंसाते हैं। आपको आता सब है लेकिन आप प्रॉक्सिमल डिस्टल नहीं समझ पाते। चलिए इलॉन्गेशन जोन को ध्यान से देखिए, इलॉन्गेशन जोन के प्रॉक्सिमल में कौन है? नहीं आएगा ना, इसी का, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास रहता तुम पहली बार में मेरी बात ही नहीं सुनते। अगर तुम पहली बार में मेरी बात सुन रहे होते तो क्वेश्चन समझ में आ गया होता। अब देखना, दोबारा बोलेंगे तो कुछ समझेंगे, तीसरी बार सब समझेंगे। बताओ, अर्थ सरफेस से दूर वाला पार्ट डिस्टल, अर्थ सरफेस के पास वाला पार्ट पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, अर्थ सरफेस से दूर वाला, अर्थ सरफेस के पास वाला, पक्का। अब इसको देखो, इलॉन्गेशन जोन, इसका प्रॉक्सिमल, इसका प्रॉक्सिमल मैचुरेशन, इसका डिस्टल मेरिस्मेटिक। बताओ, मेरिस्मेटिक जोन के प्रॉक्सिमल, इलॉन्गेशन के प्रॉक्सिमल, मैचुरेशन के डिस्टल, इलॉन्गेशन के डिस्टल, मेरिस्मेटिक। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द रीजन प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द इलॉन्गेशन जोन, जवाब ही नहीं आया। फिर से, विच इज द रीजन प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द इलॉन्गेशन जोन, क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमल मतलब टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, सरफेस की तरफ चलो तो डिस्टल की प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। गड़बड़ कर रहे हो, नहीं आ रहा, इतना पढ़ाने के बाद नहीं आ रहा तो क्या मतलब? बताइए, अर्थ सरफेस क्या है? रेफरेंस है, रेफरेंस के पास, ये वाला दूर, ये वाला सबसे दूर, तो बताइए डिस्टल हुआ, ये प्रॉक्सिमल, सबसे प्रॉक्सिमल ये। अब मैंने बोला इलॉन्गेशन जोन देखो, ये रहा इलॉन्गेशन जोन, इलॉन्गेशन जोन के प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके पास? अर्थ सरफेस। तो बताओ प्रॉक्सिमल कौन हुआ? मैचुरेस। और बताओ इलॉन्गेशन के डिस्टल कौन हुआ? नहीं आया। बताओ इस जोन में सारी चीजें डिवाइड कर रही हैं, कौन डिवाइड कर रहा है? सेल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जोन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का दूसरा नाम मेरिस्मेटिक। अच्छा बताओ, यहां पर सेल का क्या हो रहा है? इलॉन्गेशन। अगर सेल इलॉन्गेट कर रही है तो रूट भी इलॉन्गेट कर रही है। रूट का इलॉन्गेशन करना अलग बात है, जो किसकी वजह से होता है? सेल इलॉन्गेशन। अगली बात, दैट इज मैचुरेशन जोन की जितनी भी सेल है, क्या वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं? और डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यू बना चुकी हैं। कैसे टिश्यू? परमानेंट। इसका मतलब है इस जोन में सेल का डिफरेंशिएशन हो चुका है। देखते हैं कितने लोग इस चीज को समझा पाएंगे। बताओ, रूट दिख रही है? अब मुझे बताओ, मैं एक बार आपके लिए फिर से बना रहा हूं, रूट दिख रही है? बताओ, रूट में ये वाला कैप, ये वाला मेरिस्मेटिक, ये वाला क्या ये मेरिस्मेटिक है? इलॉन्गेशन है, मैचुरेशन है, पक्का। बताओ, इसके ऊपर ये वाला प्रॉक्सिमल, ये वाला डिस्टल, पक्का। बताओ, मोस्ट प्रॉक्सिमल, मोस्ट डिस्टल, मेरिस्मेटिक, पक्का। मेरिस्मेटिक के प्रॉक्सिमल, मेरिस्मेटिक के डिस्टल, रूट कैप। बताओ, इलॉन्गेशन के प्रॉक्सिमल, इलॉन्गेशन के डिस्टल, मैचुरेशन के प्रॉक्सिमल कुछ, और मैचुरेशन के डिस्टल इलॉन्गेशन। तो बताओ टोटल कितनी जोन मिलेंगी? तीन। और एक स्ट्रक्चर मिलेगा कैप, कैप का नाम रूट कैप, रूट कैप। अब बुक में कुछ नहीं, बता पाओगे? बताओ कितनी जोन? सबसे डिस्टल, पता नहीं, सबसे डिस्टल मेरिस्मेटिक, सबसे प्रॉक्सिमल मैचुरेशन, बीच में वैक्यूल कहां बनेंगे? इलॉन्गेशन। रूट कैप होगा,
रूट कैप मोस्ट डिस्टल की मोस्ट प्रॉक्सिमल? कुछ में रूट पॉकेट होगा? रूट पॉकेट टेरेस्ट्रियल में कि मेटा एक्वाटिक में होगा? यस। अब सुनो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सीखेंगे। और देखो फिर तुम कूदे जल्दी से रट्टा मारने के चक्कर में कि चलो रट डालेंगे। अगर रूट मेन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन कर रही है, रूट परफॉर्म फंक्शंस अदर देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शंस के अलावा अगर रूट कुछ और फंक्शन करने लगे तो ऐसे काम करने वाली रूट का हम लोग मॉडिफिकेशन मानते हैं। क्या मानते हैं? मॉडिफिकेशन। और इसलिए हमें रूट के फंक्शन मालूम होने चाहिए, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, जो आप तुरंत भूल गए हैं। भूल गए हैं? याद है? पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा एंकरेज, तीसरा स्टोरेज ऑफ फूड, चौथा पीजीआर का बनना। इनके अलावा अगर रूट कुछ और काम करने लगे तो हम क्या मानेंगे? मॉडिफाई। और देखना मैं क्या गलत लिख रहा हूं, क्या सही लिख रहा हूं, तुम पकड़ पाते हो कि नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट दुनिया में बहुत सारे कामों के लिए हुआ, लेकिन एनसीईआरटी मॉडिफिकेशन के लिए केवल तीन बातें बताती है कि रूट मॉडिफाई फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड स्टोरेज करने के लिए रूट मॉडिफाई होती है। इसके अलावा सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए रूट मॉडिफाई होती है। और इसके अलावा रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन करने के लिए भी रूट मॉडिफाई होती है। तुम ध्यान से देखो, मैंने स्टोरेज ऑफ फूड इसका मेन फंक्शन भी बताया है, और बता रहा हूं कि स्टोरेज ऑफ फूड अगर मेन फंक्शन है तो मॉडिफिकेशन कैसे हो गया। इट इज अ एक्स्ट्रा स्टोरेज, मेन स्टोरेज के एक्स्ट्रा स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज। और एंकरेज इनका मेन फंक्शन पढ़ाया था मैंने, सपोर्ट पढ़ाया था कि एंकरेज, एंकरेज। पर एंकरेज के अलावा भी अगर थोड़ा सपोर्ट मिले तो दैट इज नोन एज सपोर्ट, समझ गए। और इसके अलावा रेस्पायरेशन। तो बताओ एनसीईआरटी जड़ों को कितनी बातों के लिए मॉडिफाई करती है? तीन, दो की तीन, बोलो कौन? स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट ऑफ एंड रेस्पायरेशन। अब मैं इसे समझाने के लिए आपको दो तरीके की रूट फिर से याद दिलाता हूं, शायद आप मेरी बात समझ पाए। हमने आपको दो मेन रूट में से एक रूट को बोला था टैप रूट, बोलो क्या नाम है, और दूसरे को बोला था फाइब्रस रूट, बोलो क्या नाम, बोलो यार, और तीसरे का और मैंने बोला था फाइब्रस भी एक प्रकार की। तो देखा जाए तो टैप के अलावा अगर दूसरी रूट है तो वो कौन सी है? एडवेंटिशियस। मन तो मानेगा नहीं तुम्हारा, तो तुम मत मानो, लेकिन हम लोग यही पढ़ाने आए हैं। तो बेटा टैप रूट के भी कुछ मॉडिफिकेशन है और एडवेंटिशियस रूट के भी अपने कुछ मॉडिफिकेशन है, मैं वो आपको यहां पढ़ाने आया हूं। पहले टैप रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ लेते हैं। याद रखना, एक रूट है जिसके दोनों एंड फ्यूज है। द रूट दैट बोथ एंड गेट फ्यूज, कंडीशन का नाम है फ्यूजी फॉर्म। एग्जाम्पल है रेडिस, रेडिस मतलब आलू, आलू रेडिस मतलब आलू, मूली। तो बताओ फ्यूजी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल कौन है? रेडिस। और ये कैसी रूट है? टैप। तो क्या मूली एक तना है कि रूट है? पता नहीं, जवाब ही नहीं आ रहा। क्या फूड स्टोरेज करती है? और एग्जाम्पल क्या है इसका? रेडिस। और फॉर्म क्या है? फ्यूजी फॉर्म। एक और रूट है जिसका एक एंड चौड़ा है और दूसरा बेटा पतला है, और इसे बोल रहे हैं कोनिकल। बोलो क्या बोले? कोनिकल। कोनिकल
एग्जाम्पल इज कैरेट. कैरेट. और तीसरी प्रकार की एक और रूट है जो गोल गोल है, इट इज नोन एज नैपी फॉर्म. नैपी की तरह है, दैट इज नोन एज नैपी फॉर्म. और इसका रूट है, एग्जाम्पल है यस टर्निप. एनसीईआरटी देखिए, तीनों एग्जाम्पल लिखे होंगे लेकिन इनकी फॉर्म नहीं लिखी होगी. फॉर्म आप लिख लें. फ्यूजी फॉर्म जवाब ही नहीं आएगा, मरे जा रहे एकदम. पता नहीं क्या हो गया है सर, 1:30 बज गया है सर, घर जाने दो. अच्छा आज तो घर भी जाना होगा तुम्हें, जल्दी बोलो. फ्यूजी फॉर्म रेडिस, नैपी फॉर्म टर्निप, कोनिकल इज कैरेट. ये तीनों के तीनों फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन हुए हैं. किसको स्टोर करने के? फूड को. और ये टैप है कि एडवेंटिशियस टैप. नाउ द एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफिकेशन, इट इज शकरकंदी एट द शकरकंद. शकरकंद अब इसे मान लो ना मानो तब भी मानना पड़ेगा. एंड दैट इज नोन एज स्वीट पोटैटो. Also known as Ipomoea batata. अरे हंसने क्या बात है बिटिया. Ipomoea batata, it is a botanical name. तो root में modification आपकी NCERT में चार दिए हैं, चारों के रट्टा मारो. नहीं आया, दिमाग खराब. बोलो fusiform. नैपी फॉर्म जवाब नहीं आ रहा. टर्निप, कोनिकल, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? टैप रूट. और इनमें से एक एडवेंटिशियस है, बोलो कौन सा? स्वीट पोटैटो. तो जब मैंने बोला था शकरकंद में क्या खाते हैं, स्टेम की रूट, प्रूव कर दिया. शकरकंद में क्या खाते हो? रूट. मूली में? गाजर में? सलजम में? इन सब चीजों में हम लोग क्या खा रहे हैं? रूट. तो रूट का मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज के चार एग्जांपल है. नींद आ रही है? हाँ सर आ रही है. इसके बाद आ रहा है बेटा सपोर्ट. सपोर्ट करने के लिए भी इस दुनिया में रूट आई हैं. और इन रूट में से एक रूट है बरगद की लटकती हुई रूट. एंड दीज रूट आर नोन एज प्रॉप रूट. प्रॉप रूट, ये वही रूट है जिसमें मोगली झूलता है. प्रॉप रूट एग्जाम्पल इज बेनियन. बनियाइन नहीं, बेनियन बरगद. इसके अलावा मक्के की फसल और गन्ने की फसल में आपने अभी अभी देखी थी कुछ रूट्स जो बेस ऑफ स्टेम से निकली थी, लोअर नोड से, ये भी सपोर्ट दे रही हैं. दीज आर नोन एज स्टिल्ट रूट. एग्जाम्पल इज मेज एंड सुगर केन. मेज एंड सुगर केन. रट्टा नहीं चलेगा. टोटल 6 एग्जाम्पल लिखा चुका हूं, 6 बातों के लिए एग्जाम्पल लिखा चुका हूं. चलो स्टोरेज बोलो. मरे हुए हैं स्टोरेज. स्टोरेज चार बातें, फ्यूजी फार्म, नैपी फार्म. फ्यूजी फार्म, नैपी फार्म, कोनिकल पक्का. और बेटा ट्यूबरस रूट, दैट वॉज द स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो की रूट कैसी थी? ट्यूबरस. ट्यूबरस लेकिन टैप थी कि एडवेंटिशियस? एडवेंटिशियस. इसके अलावा सपोर्ट करने के लिए कुछ रूट हैं. प्रॉप रूट कहां पर? अनियन. अच्छा बनियाइन. ओके और बोलो
स्टिल्ट रोड कहां पर? हाँ, मक्के में और सुगर। कभी गन्ना खाया है? गोल गोल आता है, गोल गोल, उसे छील के खाते हैं। वो गन्ना नहीं, मूंगफली है। गन्ना खाए हो? कुछ लोग बोले गन्ना कहाँ होता है। होली के दौरान जो जो लकड़ी तुम लेकर के जाते हो जलाने, वो गन्ना है। उस गन्ने को सही से देखिए, जिधर से पत्तियां निकली हो तो ठीक है, लेकिन जिधर पत्तियां नहीं निकली उधर तुम्हें खूब सारी गांठें दिखाई पड़ेंगी और उनमें निकली हुई कुछ रूट दिखाई पड़ेंगी। वो हिस्सा काट के आप फेंक देते हो, बोले सर इतना बड़ा गन्ना तो हमने देखा ही नहीं, कटा हुआ देखा है। तो अब हमारी क्या करें, एक दिन हम लोग को बताना पड़ेगा कि क्या होता है गन्ना, क्या होता है ये मक्का। देखा मक्का? और कुछ लोग मक्का सोच रहे हैं कि कुछ होता होगा। अरे भुट्टा देखा है? भुट्टे का पौधा देखा है? भुट्टे के पौधे का, पौधे की जड़ें देखी हैं? उसमें देखना नीचे की तरफ सपोर्ट है। दिस रूट्स आर स्टिल्ट रूट। फिर से बोलो। कभी तुम कभी घूमने जाओ तो मेरा सजेशन है, आप जरूर घूमने जाना सुंदरवंस, ये जगह जरूर घूमने जाना। ये हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल के आगे सुंदरबंस पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया है हमारी इंडिया का, मतलब जहां पर खूब सारा मडी एरिया है। और सुंदर वन में पाए जा रहे हैं प्लांट, दीज आर नोन एज मॉन्ग्रू प्लांट्स। मॉन्ग्रू प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दलदली जगह पर या फिर पानी वाली जगह पर निकलते हैं, ठीक है। ये मार्सी एरिया पे निकलते हैं। अब इन मार्सी एरिया में निकलने वाले पौधों में चारों तरफ पानी नहीं है, मार्स है, कीचड़ है, और कीचड़ होने की वजह से यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो जड़ें ऑक्सीजन चाहते हैं, जड़ें ऑक्सीजन चाहने के लिए ऊपर निकल आते हैं, यानी कि इस मार्सी एरिया के ऊपर निकल आते हैं। और इन मार्सी एरिया के ऊपर निकलने के बाद इनमें छोटे छोटे पोर्स निकल आते हैं, दीज आर नोन एज न्यूमेटोफोर्स। बोलो क्या नाम है? न्यूमेटोफोर्स। और इन न्यूमेटोफोर्स की मदद से ये रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेटरी रूट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो बताओ रेस्पायरेटरी रूट कहां पर पाई जाती है, बरगद में कि मैंग्रोव प्लांट? मॉन्ग्रोव प्लांट। क्या आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल है? बोलो। राइजोफोरा, एग्जाम्पल इज राइजोफोरा। देखिए टोटल मॉर्फोलॉजी में छह चीजें पढ़नी थी, एनसीईआरटी को बेस मानते हुए तुमने एक चीज उड़ा दी। एक कौन? रूट। छह चीजें कौन कौन सी पढ़नी थी? एल्गी, फंजाई, ब्रायो। कितनी पढ़ी? छह। बोलो कौन? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। क्या उड़ा दी? बुक बंद करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमको कुछ नहीं आया, पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं आया। इसलिए ये आखिरी का 5 मिनट का सेशन, आई नीड इट मोस्ट, सबसे ज्यादा मुझे जरूरी लगता है। चलो चालू करें। मम्मी कसम है अगर नोटबुक देखा, और मम्मी कसम है अगर नहीं बोला, आता हुआ और नहीं बोला तो भी मम्मी कसम है। बताओ इस दुनिया में एंजियोस्पर्म में 6 स्ट्रक्चर हैं? इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने आए हो? मॉर्फोलॉजी माने का? इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल बाहरी। बाह्य संरचना पढ़ना चाहते हो? बाह्य संरचना के पढ़ने से 3 फायदे होंगे। पहला, स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म। दूसरा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन और एडाप्टेशन। पता चलेंगे मॉर्फोलॉजी पढ़ना जरूरी है? पक्का 3 फायदे दिख रहा है? अच्छा, जब ये 3 फायदे हो गए तो हमें 6 चीजों में पहली चीज कौन मिली? रूट। रूट में पहले सीड दिखा, एक्सिस दिखी, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला, एपिकोडल का डेंगल पार्ट, प्लूमेल, हाइपोकोडल का रेडिकल, रेडिकल नीचे ग्रो किया, प्राइमरी रूट बनाया, सेकेंडरी बनाया, टर्शियरी बनाया, मिला जुला कर टैप रूट सिस्टम। टैप रूट हो गया, मोनोकॉट की डायकॉट, एनसीईआरटी का एग्जांपल मस्टर्ड, मटर हो सकता है, ब्रिंजल हो सकता है, चना हो सकता है, आम हो सकता है, बरगद हो सकता है,
कोई भी डाय का टैप रूट रखेगा, कभी कभी प्राइमरी रूट में से जो प्राइमरी शब्द है वो खत्म हो गया, रेडिकल खराब हो गया, तो क्या बेस ऑफ स्टेम से रूट निकलेंगी? मोटी मोटी की पतली पतली क्या फाइबरस रूट है? मोनोकॉट की डायकॉट? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वीट राइस में। और अगर इम्प्रॉपर जगह से कोई रूट निकला है एडवेंटिशियस, रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले तो एडवेंटिशियस पक्का। दो एग्जाम्पल है, बोलो कौन? ग्रास एंड मॉन्स्टेरा। ग्रास एंड, चार काम दिख रहे हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। देखो भाई साहब, चार बातें थोड़ी देर पहले पढ़ी लेकिन तुम्हारे पास फ्लो नहीं है बताने का। एब्जॉर्प्शन ऑफ, दूसरा एंकरेज की सपोर्ट एंकरेज, तीसरा स्टोरेज ऑफ फूड, चौथा पीजीआर बना रहा है, ऑक्सीजन बनेगा, साइटोकाइनिन बनेगा। अच्छा बताओ, इसके अलावा रीजन दिखाई पड़ रहा है? प्रॉक्सिमल डिस्टल डिस्टल याद है? सबसे नीचे रूट कैप, किसी में रूट पॉकेट है? मेरिस्मेटिक जोन है, इलांगेशन है, मैचुरेशन है। रूट हेयर कहां पर? मैचुरेशन। सेल डिवीजन कहां पर? मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक जोन। और इलांगेशन कहां पर? इलांगस। पक्का बताओ, आगे बताओ। मॉडिफिकेशन चार कामों के लिए कि तीन? एक कौन? स्टोरेज सपोर्ट। स्टोरेज में चार लोग हैं, तीन लोग टैप, एक लोग एडवेंटिशियस। फ्यूजी फॉर्म रेडस, क्या बात। अच्छा बताओ, नैपी फॉर्म कोनिकल कैरेट और ट्यूबरस आइपोमोया बटाटा। पक्का, ना चाहते हुए भी तुमको देखो सब चीजें याद हो गई, केवल तुम पिक्चर क्रिएट कर रहे हो यहां पर, बस और कुछ नहीं है कि तुम्हें शकरकंद अलग दिखाई पड़ रही है आलू से। अच्छा बताओ, अब आपको सपोर्ट दिख रहा है? एंकरेज के अलावा एक्स्ट्रा सपोर्ट इज सपोर्ट, लटकती हुई जड़ें, बोलो कौन? बैनियन, बैनियन होगा। और बताओ, स्टिल्ट रूट है? एग्जाम्पल बताओ, मेज, मेज होगा। और इसके अलावा राइजोफोरा याद है? बताओ, पानी में ग्रो करने वाले, दलदली चीजों में ग्रो करने वाले। और बताओ, जड़ें ऊपर निकलेंगी? बताओ, जियोट्रॉपिक के अगेंस्ट जियोट्रॉपिक? और इनमें बेटा पोर होंगे, पोर का नाम निमेटोफोर। पक्का, एग्जाम्पल राइजोफोरा। पांच में, छह में से एक गया, कितने बचे? पांच। आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे कल। जो लोग ये सोचते हैं कि कल सर सुनील सर केवल पूछेंगे पढ़ाएंगे, नहीं, अगर जनता कम हुई तो मैं पढ़ा दूंगा और नहीं तो मैं पूछूंगा। हर हालत में आपको टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।